ओके, हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी. दिस इज अन अकेडमी यूट्यूब चैनल. लेट्स क्रैक गेट ईएससी. आई वेलकम यू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेन कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन. आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग इफेक्ट ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग the components, or I can say that the speed steels, the component of alloying elements on speed steels, that is high speed steels. These kind of, as you all requested, so many students requested me to take this and special class. Hello everyone, good afternoon. सभी लोग live आ गए हैं and जो कि ऑलरेडी हो चुका है, 10 आवर्स के लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. नेक्स्ट आया है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मटेरियल साइंस पार्ट 2. गाइज, आप अन अकेडमी प्लस में मीनू गुप्ता करके सर्च कर सकते हैं. वहां पर सिर्फ एक ही टीचर है, ठीक है, और आप ये कोर्स वहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता है कि ये कौन सा चैनल है, गाइज ये है हमारा अन अकेडमी का लेट्स क्रैक गेट ईएससी यूट्यूब चैनल, जहां पर ये लेक्चर चल रहा है. उसके बाद अगर अभी तक में आप लोगों ने अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. और यहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनका क्रेडेंशियल्स भी बहुत अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, वो आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं. आप उन सारे लोगों से स्टडी कर सकते हैं. और ठीक है, यहाँ पर अब आई सब्सक्रिप्शन की बात. गाइस देखिए, सब्सक्रिप्शन एक ऐसी बात है, अगर आप गेट 2021 या जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको बहुत तरीके से गाइड करेंगे. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सारा ही इसमें कवर होता है. गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉन टेक्निकल के लिए अलग से लेना है, सारा ही एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर कवर हो जाता है. क्योंकि गेट और ईएससी जो है वो अन अकेडमी प्लस में मर्ज हो चुका है तो ईएससी में सारा नॉन टेक्निकल आता है, जिसकी वजह से आप जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है जिसमें नॉन टेक्निकल आता है वो भी यहीं पर ही तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5000 फीस है गाइज उसकी. लेकिन अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 25000 रुपीज इसकी फीस है. लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं मीनू लाइव MEENULIVE तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर आपको फीस पड़ेगी 22,500 रुपीज, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है यार. जिस जो इस समय पर फीसेज आप देख रहे हैं कितना ज्यादा फीस लग रहा है, उसके हिसाब से ये बहुत ही नॉमिनल फीस है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सारे एग्जाम्स इसी में कवर होते हैं. जिस तरीके से जैसे ही कोई अलग एग्जाम आता है तो उसके अलग कोर्सेज आ जाते हैं, उसके लिए आपको अलग फीस देनी पड़ती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, एक ही बार फीस देनी है और सारे एग्जाम्स यहीं पर इसी के अंदर ही कवर हो जाते हैं. चेतन पूछ रहे हैं मैम सब्सक्रिप्शन एक सब्जेक्ट का होता है या ऑल सब्जेक्ट का. चेतन, सब्सक्रिप्शन सारे सब्जेक्ट और सारी फैकल्टीज का एक साथ होता है. ऐसा नहीं है कि आप मीनू लाइव यूज करेंगे तो सिर्फ मेरे कोर्सेज देख पाएंगे. आप अन अकेडमी के अंदर जितने भी फैकल्टी हैं सारे के कोर्सेज देख पाएंगे, सारे सब्जेक्ट देख पाएंगे. ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह है. आप लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा ना, नेटफ्लिक्स के अंदर कितना कॉन्टेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट होता है, सीरीज भी होती है, वेब सीरीज भी होती है, मूवीज भी होती है. सेम ये वैसा ही है, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सारी फैकल्टीज, सारा सब्जेक्ट, हर कुछ आप यहाँ पर अंदर रह करके देख सकते हैं, ठीक है. ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक कोड यूज किया है तो सिर्फ वही टीचर को आप देख सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अन अकेडमी के अंदर. यहाँ पर आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो सारी फैकल्टी को आप देख सकते हैं, ठीक है जी. हाँ, मैकेनिकल टॉक टेक टॉक बोल रहे हैं, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन आई विल बी कवरिंग कंप्लीटली ऑन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और बाकी जो स्पेशल क्लासेस हैं आप लोग जो डिमांड करते हैं वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर लेती रहती हूँ, ठीक है. देखिए, अगर आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या आप कह सकते हैं सेकेंड ईयर में हैं अपने कॉलेज के तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. गाइज देखिए, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 25,000 का पड़ता है, लेकिन अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो 30,000 रुपीज का पड़ता है. और अगर आप कोड यूज करते हैं मीनू लाइव, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज का डिफरेंस है
और आपके लिए यही बेनिफिशियल है कि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर आप कोड यूज करते हैं मीनू लाइव तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद 27,000 रुपीज का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। वन मोर थिंग गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहती हूँ, वो ये सभी के भलाई के लिए कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की क्या हालत चल रही है, उसी के लिए आप सभी लोगों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पहले सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें, डू नॉट गो इन इन्वॉल्व इन बिग ये क्या कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बिग गैदरिंग्स होती हैं, अवॉइड करिए ऐसी गैदरिंग्स में जाने के लिए। इवन स्कूल एंड कॉलेजेस भी आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, करिए ही। बहुत सारा आप देख सकते हैं, दिल्ली में मैं रहती थी, दिल्ली भी वैकेट करवा लिया गया है, मोस्ट ऑफ द जगह सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन अपनी लर्निंग को पीछे मत छोड़िए, लर्निंग को आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अनअकैडमी ने 20,000 फ्री लाइव क्लास अनाउंस की है, ठीक है। अब आप जितना बेस्ट पॉसिबल है यूसेज, जितना बेस्ट पॉसिबल है अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं आप, जितना भी आप यहां से गेन कर सकते हैं कर लीजिए। 20,000 फ्री लाइव क्लासेस बहुत बड़ा अमाउंट है गाइज, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, सारी फैकल्टीज यहाँ पर क्लासेस ले रही हैं आप लोगों के लिए। इवन जो हमारा मंथली का हमें होता है कि इतनी क्लासेस लेनी है, उसके अलावा भी हमें क्लासेस लेनी है, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए क्लास लेंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप ये 20,000 फ्री लाइव क्लासेस का जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं निकाल लीजिए गाइज, और यही एक समय है, घर पे बैठिए, अपना इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अपनी हेल्थ इज़ फर्स्ट, आफ्टर दैट समथिंग एल्स। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने घर पे बैठ करके, अगर कहीं क्लास में जाकर के पढ़ाना होता या कहीं ऐसा ऑफलाइन भी पढ़ाना होता तो शायद ही ये पॉसिबल होता, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए ये पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि ये आप यूटिलाइज कर लें जितना मैक्सिमम, जो भी फैकल्टी से आपको समझ में आ रहा है, जितना भी आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आप रिक्वेस्ट भी करोगे किसी फैकल्टी से, मैम या सर आप इसका क्लास ले लो या इस सब्जेक्ट का क्लास ले लो या इस टॉपिक का क्लास ले लो, दे रियली लिसन टू यू। तो जो भी है, इवन मेरा यूट्यूब का जो भी क्लासेस चल रहा है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसी वजह से मुझे अपना 10 दिन का स्केड्यूल देना होता है, बट आई एम नॉट एबल टू गिव माई स्केड्यूल फॉर फर्दर 10 डेज। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही पता चलता है अच्छा अभी ये लेना है, क्योंकि मैं वो आप लोगों से पूछती हूँ कि गाइस बताइए कि क्या क्लासेस लेनी है। ये जो आज की क्लास है वो भी आप लोगों ने ही सजेस्ट की थी कि मैम ये वाला पार्ट ले लीजिए आप स्पेशल क्लासेस में, तो ये आज ये लाइव क्लास हो रही है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपकी डिमांड के हिसाब से आपको जहाँ पर भी जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है वो पॉइंट यहाँ पर लेकर के आते हैं हम सभी लोग आपके लिए। और ये 20 डेज जो है 31 मार्च तक में सब कुछ बंद है, तो ये वाली जो चीज मैंने पॉइंट आपको बताई है इसका बेस्ट यूजफुल आउटपुट निकाल लीजिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए और एफिशिएंसी बढ़ा करके इसका बेस्ट आउटपुट निकाल लीजिए। और अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैम मोहर तौफीक खान, आई एम टेकिंग मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। आप लोग सबसे पहले मुझसे मैन्युफैक्चरिंग का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का ये टॉपिक ले लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग का वो टॉपिक ले लीजिए, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी किया है, उसके बाद मैंने पूरा ट्रिपल टी डायग्राम भी किया है, और आज हम मूव करने जा रहे हैं हमारा प्लेन कार्बन स्टील, और उसके बाद एलोइंग एलिमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। एंड वन मोर थिंग गाइज, कुछ भी पढ़ सकते हैं, जी हाँ सेलर विवेक कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीपक कुमार शर्मा, मटीरियल साइंस कब तक पढ़ा दीजिएगा? मटीरियल साइंस अनअकैडमी प्लस में ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है 18th और 19th ऑफ दिस मंथ, और वो पूरा 16 आवर्स का कोर्स है, तो 16 + 10 ये पूरा 26 आवर्स में थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हुआ है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस के पार्ट भी करेंगे, डाउट क्लियर लेक्चर भी है वहाँ पर, सारी चीज़ें हैं। आप आइए एक बार ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पे एंटर करने जा रहे हैं। देखिए मटेरियल साइंस मैं पहले भी कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा बेसिक है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने बैठ गए बिना मटेरियल साइंस के बेसिक को कंप्लीट किए बिना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है गाइस, ये बात याद रखिएगा। इवन अनटिल एंड अनलेस कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो पहले आपको बेसिक्स पढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जिस थिंग स्टार्ट किया था यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट किया था, तो गाइस पूरा एक हफ्ता में मटेरियल साइंस का बेसिक्स ही पढ़ा रही थी वहाँ पर।
तो वो सारी चीजें, वो टाइम भी वेस्टेज होता ही है। तो बेस्ट है कि हम पहले मटेरियल साइंस पढ़ ले, उसके बाद हम सारा हमारा स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं हम हमारा लेक्चर की तरफ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेन कार्बन स्टील। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन कार्बन स्टील, उसके बाद कास्ट आयरन, उसके बाद एलॉयिंग एलिमेंट, उसके बाद कटिंग स्पीड स्टील्स जो होते हैं उनका जो वेरिएशन होता है, उनमें कितने टाइप्स के आते हैं, वो सारी चीजें, जो स्टेलाइट, हाई स्पीड स्टील, सिरामिक्स, ये सारा जितना है वो हम डिस्कस करेंगे इन दी एंड। ये दो तीन पार्ट में ये सीरीज चलेगी। सबसे पहला पार्ट है हमारा प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को फिर बोलती हूँ, अगर किसी ने भी ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आयरन कार्बन डायग्राम भी लिया है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी लिया है और ट्रिपल टी डायग्राम भी लिया है, काइंडली उसको एक बार देख लीजिए, आपको ही फायदा होगा। 2x स्पीड, देखिए यहाँ पर यही फायदा है कि आप उसको स्पीड को डबल करके ना आप सुन सकते हैं और अपने टाइम को कम लगेगा। वहां पर आप एक बार उसको सुन लीजिए तो ये लेक्चर करने में बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, और गाइज वन मोर थिंग, अपना एक पेज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और छोटी छोटी बातें छोटा छोटा वहां पर लिख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको, जब मैं क्वेश्चन सीरीज करवा रही थी तब भी मैंने बोला था, जितने भी क्वेश्चन थे अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, एक पेज में लिखते चलिए इंपॉर्टेंट बातें, और इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे क्लास के साथ, और वो शॉर्ट नोट्स वही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लिए वरदान साबित होते हैं एग्जाम के पहले। गाइस देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ, उसको याद रखना बहुत ही कठिन होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से रिविजन करें। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि एक पेज में छोटा छोटा सा अपना शॉर्ट नोट बनाते चलिए, क्लास के साथ बनाते चलिए, ताकि वो आगे आके काम आ पाए। ठीक है, चलो व्हाट इज प्लेन कार्बन स्टील। एंड वन मोर थिंग गाइस, जी हाँ, इंद्रजीत अन अकेडमी में फ्री क्लास भी है, अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया है, बट रिसेंटली आई एम गोइंग टू अनाउंस, एक और दो दिन में मैं कर दूंगी अनाउंस। उसकी जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, वन मोर थिंग गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, एंड इस लेक्चर के बीच में जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा मैं कॉमेंट नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि रीजन भी, अगर बीच में ये कॉमेंट नीचे चलते रहते हैं वो दिख जाते हैं, तो एक तो सबसे पहले फोकस खराब होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक को छोड़ के मैं आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये मेरे अंदर बहुत एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है मेरी ना, कि अगर मेरे सामने कोई डाउट लिया है तो मुझे लगता है कि इसका, क्योंकि कभी किसी भी इंसान के पास डाउट होता है तो उसका दिमाग की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो मुझे लगता है भाई इसका डाउट क्लियर करके इसके दिमाग की एंट्रोपी को कम करना है। ये मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मैं लेक्चर छोड़ के ये शुरू कर देती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँगी तो मैं कॉमेंट्स नहीं देखूंगी, उसके बाद जब टॉपिक खत्म होगा तब मैं कॉमेंट्स देखूंगी, तब मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलो अभी मैं कॉमेंट्स नहीं देखूंगी, मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। देखो, वट इज प्लेन कार्बन स्टील, हम इसे कार्बन स्टील भी कह सकते थे ना, तो व्हाई इज द नेम कॉल्ड एज प्लेन कार्बन स्टील। देखिए, नेम कॉल्ड एज प्लेन कार्बन स्टील, द रीजन इज दैट द अदर काइंड ऑफ एलॉइंग एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस आर निग्लिजिबल। मतलब कोई भी अदर एलॉइंग एलिमेंट है वो, उसका क्वांटिटी जो है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन एंड स्टील इज नेग्लेजिबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्लेन कार्बन स्टील। मतलब क्या हुआ, जो प्लेन कार्बन स्टील है उसमें जो अदर एलॉइंग एलिमेंट, वन बाय वन करके मैं सारे पॉइंट्स लिखती जाऊंगी, आप अपने शॉर्ट नोट जो है उसमें भी लिखते चलना। ठीक है, देखो, जो अलग अदर एलॉइंग एलिमेंट हैं, अदर एलॉइंग एलिमेंट आर नेग्लेजिबल, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आयरन प्लस कार्बन ओनली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि एलॉइंग एलिमेंट बिल्कुल जीरो है, बट यस, इट इज टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स द अदर एलोइंग एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम मैंगनीज ले लो, मैग्नीशियम हो गया या सिलिकन हो गया या किसी भी तरीके का जिंक वगैरह, कुछ भी जो है वो इतना इस अमाउंट में है कि वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू आयरन एंड कार्बन। सो दैट इज वाई अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन ओनली इन विच अदर एलोइंग एलिमेंट आर नेग्लिजिबल इज नोन एज प्लेन कार्बन स्टील, एंड नाउ देयर इज द लिमिट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट। देखिए, जो भी हमारी स्टील है,
स्टील, अगर आप लोग को आयरन कार्बन डायग्राम याद होगा तो वहां पर आपको ये भी याद होगा कि कहां पर स्टील मैंने दिखाया था और कहां पर मैंने कास्ट आयरन आपको दिखाया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूं यहां पर कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी अलॉयड इन आयरन इज 6.67%, ठीक है। मैं लिख देती हूं, देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी एलॉयड इन आयरन इज 6.67%। देखो, जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, दूसरा होता है हमारा इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी। मैं यहां पर लिख रही हूं, बहुत ही बेसिक चल रहा है, वन बाय वन करके पॉइंट यहां पर स्टार्ट करते रहना, ठीक है, देखते रहना। देखो, सबसे पहले जो इम्प्योरिटी होती है, देखो भैया, एक बात यह है, इम्प्योरिटी को हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, पर मुद्दे की बात यह है, यहाँ पर इम्प्योरिटी इज नॉट इन द नेगेटिव सेंस। यहाँ पर जो कार्बन है, ये एक तरीके का हमारा फॉरेन एलिमेंट है। तो आयरन के साथ अगर जब हम कार्बन को मिला रहे हैं, तो हम कार्बन को कह रहे हैं ये इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो कार्बन अगर हम किसी चीज में मिला रहे हैं, तो भैया आयरन का जो घर है, आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कार्बन कहीं तो जाकर के फिट होगा ना। तो जो कार्बन इम्प्योरिटी है या कोई भी इम्प्योरिटी है, वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है इंटरस्टीशियल और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है, मान लीजिए हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज माई बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक अंदर है। तो यहां पर जो एलिमेंट, जो एटम्स रखे हैं, उनके बीच में जो वॉइड होगा ना, उसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। तो हमारा जो इम्प्योरिटी एलिमेंट है, या तो वो उस वॉइड में चला जाएगा, या तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, मेन एलिमेंट। मान लो मेन एटम हमारा आयरन का है, तो कार्बन आएगा, आयरन को सब्स्टिट्यूट करेगा और वहां पर बैठ जाएगा। तो दो तरीके की इम्प्योरिटी हो सकती है, एक तो इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी, जहां पर हमारा एलोइंग एलिमेंट, या मैं कह सकती हूँ फॉरल एलिमेंट, या मैं कह सकती हूँ इम्प्योरिटी वाला एलिमेंट हमारा जो इंटरस्टीशियल स्पेस और इंटरस्टीशियल वॉइड होगा हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें जाकर के फिट हो जाएगा और वहां पर एक सॉलिड सोल्यूशन बना लेगा। एक ये तरीके से बन सकता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल, या तो वो क्या करेगा, या तो वो जो फॉरेन एलिमेंट है, या वो इम्प्योरिटी है, या वो एलोइंग एलिमेंट है, वो बेस एलिमेंट का जो स्पेस है उसको हटाएगा और खुद जाके उसकी जगह में बैठ जाएगा, उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर गाइज इज, मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जो कार्बन है, एक तरीके का इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी है इन आयरन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी इन दी आयरन। मैं लिख रही हूं यहां पर, कार्बन इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी, इन आयरन, ठीक है। अब देखो, बात मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये डिस्कस किया आपके सामने रखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी अलॉयड इन आयरन इज 6.67%। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन इंटरस्टीशियल जो वॉइड्स हैं, वो तो लिमिटेड इन अमाउंट होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि इन्फानाइट है, जितना क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उतने ही इंटरस्टीशियल हमारे वॉइड्स होंगे, तो हमें एक लिमिट तक ही वहां पर डाल सकते हैं ना। तो वो लिमिट कितनी है, 6.67 तक की ही लिमिट है, 6.67% कार्बन ही हम आयरन में सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपने 6.67% से ज्यादा कार्बन को आयरन में एलॉय किया, तो कार्बन क्या करेगा, अब उसके पास इंटरस्टीशियल वॉइड तो बचा नहीं, तो वो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या हो जाएगा, कोलाइड होना शुरू हो जाएगा, एक तरीके का फ्लेक्स वो ऊपर ऊपर आपको दिखने लग जाएगा, वो सॉलिड सोल्यूशन नहीं बन पाएगा आपका, और हमें क्या मिलेगा, अलग से कार्बन ऊपर ऊपर रखा रखा ग्रेफाइट या फ्लेक के फॉर्म में मिलने लग जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम सॉलिड सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन इन आयरन इज ओनली 6.67%, ठीक है।
अब देखो बात यहाँ पर यह है कि जो प्लेन कार्बन स्टील है, हमें यह समझना होगा कि कितना परसेंट कार्बन होता है हमारा, ठीक है। देखो जो प्लेन कार्बन स्टील है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इन प्लेन कार्बन स्टील इज 2%। ध्यान देना है यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इन स्टील इज 2%। 2% से ज्यादा हमारा नहीं होता है कार्बन इन स्टील, कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इज 2%। अब देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इन प्योर आयरन, देखो जो प्योर आयरन होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है तो वो लैक करता है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो लैक करता है हमारा हार्डनेस। तो हम जो प्योर आयरन होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं। गाइज Try to understand this. Due to lack of tensile strength, due to lack of hardness, the pure iron is not used in industrial application. You need to add some amount of alloying element. The important alloying element here right now that we are discussing is carbon. ठीक है, तो carbon हमें add करना होता है और फिर जो हमें solid solution मिलता है जिसको हम कहते हैं प्लेन कार्बन स्टील, समझ रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इन प्योर आयरन वी आर एडिंग अलॉयिंग एलिमेंट दैट इज कार्बन अप टू 2% टू मेक इट द प्लेन कार्बन स्टील विच इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा आपको आयरन, प्योर आयरन बहुत ही कम या आप कह सकते हैं कहीं पर भी यूज होते हुए नहीं दिखेगा। इट इज स्टील विच इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। गाइज ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यू टू lack of tensile strength and hardness, pure iron is not widely used. ठीक है, अब चलो देखो मैं दो ग्राफ बनाने जा रही हूं यहां पर, अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कहानी कहां चल रही है। देखो मैं अगर परसेंटेज कार्बन को, तो हमने कुछ तो एलॉय किया ना यहाँ पर, मैंने कहा कि प्योर आयरन जो है वो लैक करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, लैक करता है हार्डनेस, तो कुछ तो हम ऐड कर रहे हैं। हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, हम कार्बन ऐड कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे कार्बन के परसेंटेज को ऐड किया जाएगा तो स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा, स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे इस तरफ से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। देखो जो मिनिमम कार्बन जो ऐड होता है वो 0.02% होता है, ठीक है। मिनिमम कार्बन जो ऐड होगा वो 0.02% होगा, तो 0.02% में भी कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो जैसे जैसे हम कार्बन के परसेंटेज को बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ, क्या हो रहा है ये, परसेंटेज ऑफ कार्बन वर्सेस स्ट्रेंथ। कार्बन का परसेंटेज बढ़ा, स्ट्रेंथ हमारी क्या हुई, बढ़ती चली गई। अभी देखो एक ग्राफ में और बनाने वाली हूँ, इससे आपको और समझ में आएगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन विद हार्डनेस, हार्डनेस को हम ब्रिटल हार्डनेस नंबर BHN, ब्रिटल हार्डनेस नंबर इससे डेजिग्नेट करते हैं और ये है हमारा परसेंटेज कार्बन, ठीक है। देखो जैसे जैसे परसेंटेज कार्बन बढ़ता है तो ब्रिटल हार्डनेस नंबर का जो हार्डनेस है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा ग्राफ है हार्डनेस का, ये ग्राफ है हमारा स्ट्रेंथ का। अब क्वेश्चन देखो गाइस, पूछा जाता है कि कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा भैया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट इन आयरन विच इंक्रीजेस इट्स हार्डनेस, किसके ऊपर डिपेंड करता है हार्डनेस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर हमारा होगा कार्बन, ठीक है, कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ये वाला ग्राफ अगर आपको समझ में आया हो तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आप मुझे आंसर देंगे। सबसे पहला मेरा पॉइंट है ट्रू और फॉल्स, आज हम बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट, ट्रू और फॉल्स, सभी लोग फटाफट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फटाफट। नेक्स्ट मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू,
डेफिनेटली सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, पहले का आंसर हमारा होगा ट्रू, बिल्कुल परफेक्ट। जो मैंने आपको ग्राफ भी दिखा दिया, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भाई लोग बढ़ जाएगा, कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, हार्डनेस क्या है बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा तो हमारा बिनिल हार्डनेस नंबर भी बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट, ट्रू और फॉल्स? फटाफट सभी लोग, ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट को बढ़ाते जाते हो तो यंग्स मॉडुलस भी आपका बढ़ता जाता है, तभी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी ना, यंग्स मॉडुलस भी बढ़ता जाता है। देखो जो यंग्स मॉडुलस है वो किस पे डिपेंड करता है, यंग्स मॉडुलस ही हमारा स्टिफनेस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो हमारा यंग्स मॉडुलस भी स्टील का बढ़ता चला जाएगा। अंकित श्रीवास्तव कह रहे हैं रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं अंकित, यंग्स मॉडुलस भी बढ़ेगा जैसे ही जैसे हम इस कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे स्टील में, और स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू लिखे हैं मैंने यहाँ पर, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू लिखे हैं यहाँ पर। शुभम साहू नमस्ते टू यू। नेक्स्ट देखो, जो प्लेन कार्बन स्टील है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं फटाफट कलर चेंज करूंगी। प्लेन कार्बन स्टील तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, वैसे चार पार्ट में भी आप कभी कभी देख लोगे, हाई और वेरी हाई भी कहने लग जाते हैं लोग, लेकिन हम यहाँ पे तीन में ही लेके चलेंगे। लो कार्बन स्टील, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम कार्बन स्टील, नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील, कुछ लोग इसको वेरी हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं, पर हम अपना जो स्टडी है वो NPTEL के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। आप अगर विकिपीडिया वगैरह खोल के देखोगे तो आपको चार पार्ट में दिखेगा, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन, हाई एंड वेरी हाई, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू NPTEL, NPTEL के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। देखो जो लो कार्बन स्टील है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो लेस देन 0.3% होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी डिसॉल्वड इन प्लेन कार्बन स्टील इज हाउ मच? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन बी डिसॉल्वड इन प्लेन कार्बन स्टील इज हाउ मच? 2%। तो देखो जो हाई कार्बन स्टील है उसमें 0.8% से लेकर के 2% तक होता है कार्बन, ठीक है, और मीडियम कार्बन जो स्टील है वो 0.3 से 0.8% तक होता है, ठीक है, 0.3 से 0.8% तक होता है क्या कार्बन। तो ये डेजिग्नेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये डेजिग्नेशन है, ठीक है। अमृता बिल्कुल सही बात है। राहुल राज ने कमेंट किया है, मेरा गेट में 750 रैंक आया है इन मैकेनिकल, व्हाट इज द ऑप्शन फॉर मी अकॉर्डिंग टू यू? 750 में देख लीजिए BPCL, अच्छा हाँ BPCL में 750 में लोगों का हो जाया करता था कुछ दो साल पहले, बट अभी BPCL की तो हालत खराब हो गई है, तो ठीक है। IOCL में यार गाइस देखिए 500 के अंदर ही होता है लोगों का, ONGC में भी एक टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा था कट ऑफ, लेकिन अभी नहीं है ONGC। आप MTech देख लीजिए कहीं ना कहीं, राहुल राज आपको IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, यहाँ सब में MTech मिल जाएगा, आराम से MTech करिए, और प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है, आप लोग गुमराह मत होइए। अगर आपने IIT पहुंच करके मेहनत की तो डेफिनेटली प्लेसमेंट है, लेकिन हाँ IIT पहुंच करके आप फिर से GATEE की तैयारी लग रहा है कि इस बार मेरा 750 आया है, अगली बार 100 के अंदर आ जाए, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आप लोग अगर IIT जाते हैं, वहां पर मेहनत करते हैं, तो प्लेसमेंट जरूर मिलता है, ठीक है। ये भूल जाइएगा आप लोग, भूल जाइएगा कि मतलब बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ कि भाई मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ MTech में, मेरा ये नहीं हुआ, मैं इवन आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी पीपल लाइक दे विल बी सेइंग मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ IIT दिल्ली में पढ़ के, नाउ आई विल बी आस्किंग फ्रॉम देम कितना परसेंटेज लाए थे और कितना क्या किया था, गेट की तैयारी की थी, बोलेंगे हाँ। भैया प्रॉब्लम यहीं पे आती है, IIT में पहुंचने के बाद लोग जो है GATEE की तैयारी करते हैं, फिर कहते हैं हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भैया आप लोग हैं जो IIT का नाम बर्बाद कर रहे हैं, IIT आपका नाम नहीं बर्बाद कर रहा, ठीक है। IIT में ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, इतना अच्छा इनका सिस्टम है कि आप कंपनीज आती हैं और अगर आपके पास दम है तो आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है, यही वही क्राइटेरिया होता है। चलो
1400 में हाँ मिल सकता है रवि शॉ, 1400 में भी आपको आईआईटी मिल जाएगा, पुराने आईआईटी में भी कुछ ना कुछ ब्रांच आपको मिल जाएगी 1400 में, ठीक है। 1400 रैंक में आपको, अगर आप जनरल के हैं तो भी 1400 में आपको कुछ ना कुछ मुझे लगता है मिल जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिए आप, मिल जाएगा। बाकी न्यू आईआईटी तो आपको मिलना ही मिलना है, पुराने आईआईटी में आपको मिल जाएगा। दीपक कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो हम वन बाय वन सबका प्रॉपर्टी लिखते चलेंगे भाई लोग, और वहां पर बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगी कहाँ पर क्या यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अगेन आई विल नॉट रीड द कमेंट्स फॉर टिल आई कंप्लीट एंड गिव यू ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस, आफ्टर दैट अगेन आई विल रीड द कमेंट्स, ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। देखो जो लो कार्बन स्टील है उसमें क्या होता है, हमारा लो कार्बन स्टील द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 0.3, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 0.3। देखो अगर हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस देन 0.3 है तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग क्यों भैया, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे ये जो होता है लेस स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, उतना ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं होता, लेकिन हाँ अगर ये लेस स्ट्रांग है तो मुझे ये बताओ इसकी फॉर्मेबिलिटी कैसी होगी। कार्बन का परसेंटेज कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ कम है तो फॉर्मेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिया जा सकता है ना, फॉर्मेबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में लाया जा सकता है। तो मुझे आप लोग कमेंट में ये बताइए कि क्या परसेंटेज कार्बन लेस देन 0.3 से कम है और लो कार्बन स्टील है, लेस स्ट्रांग है, तो फॉर्मेबिलिटी कैसी होगी, इसमें ज्यादा होगी, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेबिलिटी, गुड फॉर्मेबिलिटी ऑफ दिस, गुड फॉर्मेबिलिटी, ठीक है। वेल्डेबिलिटी, कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे ज्यादा होता है ना तो वेल्डेबिलिटी भी घटती जाती है, तो एज यहां पर कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है तो वेल्डेबिलिटी यहां पर कैसी होगी, गुड होगी, गुड वेल्डेबिलिटी। बट इट लैक्स हार्डनेबिलिटी, लैक्स हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है इसमें, लैक्स हार्डनेबिलिटी, ठीक है। अब एक बार मुझे बताओ क्या इसका सरफेस हार्डनेस बढ़ाया जाता है कार्बराइजेशन से, कार्बराइजेशन से जितने लोगों ने पढ़ा होगा, रवि शॉ कह रहे हैं मैंने गेट के टाइम जनरल कास्ट डाला था बट मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बाद में आया, तो अभी आईआईटी का फॉर्म भरने के टाइम ओबीसी डाल सकते हैं क्या। रवि शॉ आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछा है, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कौन रखता है भाई, ओबीसी आप थे तो आपको पहले ही ओबीसी डाल देना चाहिए था, है ना, अगर आप ओबीसी तो पहले ही डाल देते यार। अभी अभी ये एक्चुअली मैं आपको लिटरली बताऊं तो आई विल कंफर्म दिस थिंग, आपकी ये जो बात है आई एम लेसर इन नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये वाला थिंग कि ओबीसी का सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो मैं आपको रवि शॉ आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको कंफर्म करके किसी और से जिन्होंने फॉर्म वॉर्म लगाया होगा, बिकॉज मैंने कभी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो जिन लोगों ने लगाया होगा उन लोगों से एटलीस्ट आई विल आस्क एंड देन आई विल कंफर्म यू, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने, अगर आप ओबीसी हैं पहले ही आप डाल देते ये तो फिर डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी ना, अभी आपने ओबीसी डाला, अभी आप जनरल डाल रहे हो, कभी आप ओबीसी डाल रहे हो, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे वो कि क्या कैसा है, आपको आई गाइड यू बट आफ्टर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल हु हैव यूज सच काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। भैया जितने लोग भी रैंक वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो सारे लोग मैसेज करिएगा मुझे टेलीग्राम में, टेलीग्राम में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों ने यस और नो कमेंट किया है हमारा, यस और नो कमेंट किया है हमारा, तो यस क्योंकि ये लो कार्बन स्टील है, यहाँ पर हम सरफेस हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं कार्बराइजेशन से, केस हार्डनिंग वगैरह करके हम सरफेस हार्डनेस को लो कार्बन स्टील में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ सरफेस हार्डनेस can be
increased by carburization. ठीक है, ये जो हमारे ये वाली स्टील है, इट इज यूज फॉर हॉट फॉर्मिंग एंड कोल्ड फॉर्मिंग एक्सेट्रा. सब जगह ये वाली स्टील यूज की जा सकती है. यूज इन हॉट फॉर्मिंग कोल्ड फॉर्मिंग एक्सेट्रा, क्योंकि ये माइल्ड स्टील भी कहते हैं. लो कार्बन स्टील जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टील. माइल्ड स्टील क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट होती है, इसी वजह से इसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं. हॉट फॉर्मिंग और कोल्ड फॉर्मिंग ये सारी इस स्टील में किया जा सकता है. अब नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील, दैट इज मीडियम कार्बन स्टील. मीडियम कार्बन स्टील गाइज, अब हम यहां पर देखेंगे कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है. यहां पर हमारा 0.3% से लेकर के 0.8% तक कार्बन होता है. ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील जो है वहां पर 0.8% से लेकर के 0.3% से लेकर के 0.8% तक कार्बन होता है. अब सीधी सी बात है भैया, अगर कार्बन का कंटेंट बढ़ गया है तो टफनेस और बढ़ जाएगा. हम मैं ये कहूंगी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो माइल्ड कार्बन स्टील से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी. तो इसकी प्रॉपर्टीज है 1/mm. वॉट इज लो कार्बन स्टील, अभी अभी तो पढ़ाया है लो कार्बन स्टील, अभी फिर कॉमेंट कर रहे हैं लो कार्बन स्टील क्या है. देखो भैया, अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं विपुल कुमार, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पीछे की. अभी जस्ट डिस्कस किया है लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, तो वो वहां से आप देखिए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम कार्बन स्टील. सी द मीडियम कार्बन स्टील हैज हाई टफनेस एंड डक्टिलिटी इन कंपेरिजन, लाइक वी आर कंपेयरिंग विद, लाइक वी कैन से दैट हाई कार्बन स्टील का अगर मैं लूंगी तो उसके कंपैरिजन के हेल्प से यहाँ पर डक्टिलिटी ज्यादा होगी, बट दैट डक्टिलिटी विल बी लेसर देन माइल्ड कार्बन स्टील. बट ओवरऑल हम ये कहते हैं कि मीडियम कार्बन स्टील की डक्टिलिटी बढ़िया होती है और टफनेस भी बढ़िया होती है, हाई टफनेस एंड डक्टिलिटी. और जो मोस्ट वाइडली यूज स्टील है इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो है हमारी मीडियम कार्बन स्टील. मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टील, मोस्ट वाइडली यूज स्टील है हमारी मीडियम कार्बन स्टील. देखो मीडियम कार्बन स्टील, अब मुझे अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे ये बताइए, मैंने पहले एक स्टेटमेंट यूज किया था कि हमारा मर्टन साइड जो है 100% मर्टन साइड कैन बी मेड ओनली बाई हाई यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन. याद है आप लोगों को? ठीक है, याद है आप लोगों को? मैंने आपको ये ही ट्रीटमेंट में ये स्टेटमेंट यूज किया था. अगर नहीं, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं की है उन लोगों के लिए मैं अगेन ये स्टेटमेंट यूज करती हूँ कि जो मर्टन साइड का फॉर्मेशन होता है वो मैक्सिमम, और ये कह सकते हैं 100% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन में होता है. और जो हीट ट्रीटमेंट होता है ना, हमारी हीट ट्रीटमेंट जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं हमारी, फॉर एग्जांपल ऑस टेम्परिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, बेनाइट का फॉर्मेशन, मटन साइड का फॉर्मेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारी 100% तरीके से हो पाती हैं हमारी यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन में. यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन क्या होता है, जहाँ पर 0.8% कार्बन होता है. तो यहाँ पर देखो, ये जो 0.8% कार्बन है वो मीडियम कार्बन स्टील में फॉल करता है. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम कार्बन स्टील है वो हीट ट्रीटेबल होती है. हीट ट्रीटेबल मतलब कि इट विल गिव द बेस्ट रेस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. ठीक है, इट विल गिव द बेस्ट रेस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल ऑस टेम्परिंग या ऑस्टिनाइजिंग, क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग, ये सारी जो है वो होगी. देखो ये जो स्टील है मीडियम कार्बन स्टील का, वो बहुत ज्यादा वेरियस टेम्पर्ड कंडीशन में यूज किया जा सकता है. बहुत ज्यादा टेम्पर्ड है तो उस कंडीशन में हम मीडियम कार्बन स्टील को यूज कर सकते हैं. और ये कहाँ कहाँ, नॉर्मली गियर्स में, गियर्स, रेलवे ट्रैक, मशीन पार्ट्स, स्प्रिंग्स,
ये इन सारी जगहों पर मीडियम कार्बन स्टील जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, इन सारी जगहों पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन का कंटेंट है गाइस वो ग्रेटर देन 0.8% होता है और लेसर देन 0.2% होता है। ठीक है, मोर देन 0.8% एंड लेसर देन 2%। अगर वो 2% से भी ज्यादा हो जाता है, अगर वो 2% से ज्यादा हो जाता है तो वो स्टील की कैटेगरी में नहीं, वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आने लग जाता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन का कंटेंट 2% से ज्यादा हो गया है तो वो हमारा स्टील की कैटेगरी में नहीं, कास्ट आयरन की कैटेगरी में आने लग जाता है। ठीक है, सेलर विवेक बोल रहे हैं मीडियम कार्बन स्टील का मर्टन साइट बनता है। जी हाँ, जो देखो मर्टन साइट बाकी चीजों से भी बन सकता है लेकिन 100% मर्टन साइट, देखो बाकी अगर आप 0.8 से डिफर करते हो ना तो मर्टन साइट का कंपोजिशन जो है वो कम होने लग जाता है, मतलब परसेंटेज जो है वो कम होने लग जाता है। तो जो हमारा 0.8 जो यूटेक्टोइड कंपोजिशन है उसमें हमें 100% मर्टन साइट मिलता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो मीडियम कार्बन स्टील है वो सबसे ज्यादा हीट ट्रीटेबल स्टील मानी जाती है। ठीक है, रवि शाह कह रहे हैं मर्टन साइट का हार्डनेस RC65 होता है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, जो ये मर्टन साइट है उसका जो रॉकवेल हार्डनेस नंबर है वो है 65। ठीक है मैम, रेलवे ट्रैक में हाई कार्बन स्टील होता है ना, रेलवे ट्रैक में मीडियम कार्बन स्टील होता है अकॉर्डिंग टू NPTEL, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम NPTEL। तो अकॉर्डिंग टू, अब देखो देखो एक बात मैं आपको बता रही हूँ तौफीक खान, एक बात याद रखिएगा, एक होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एक होता है हमारा जो हम किताबों में पढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारी किताबें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, किताबें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, बट अभी इंडस्ट्रियल में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं आपको डेटा दे रही हूँ वो NPTEL के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक है NPTEL के अकॉर्डिंग मीडियम कार्बन स्टील से बनता है। ठीक है, चलो जो हाई कार्बन स्टील है गाइस, वन बाय वन हम इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हाई कार्बन जो स्टील है, हार्डनेस एंड वियर आर हाई बट टफनेस एंड फॉर्मेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गया ना, तो फॉर्मेबिलिटी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। लिख रही हूं मैं, हार्डनेस एंड वियर रेसिस्टेंस आर हाई बट टफनेस एंड फॉर्मेबिलिटी इज वेरी लो। अब यहां पर मुझे लोग, आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दोगे, आप लोग। रवि शाह कह रहे हैं आर के जैन में हाई कार्बन स्टील दिया हुआ है। रवि शाह, मेरी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ आर के जैन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। आर के जैन में वैसे भी आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, कल किसी ने ट्रू साइट का डाला था और उसने बोला ऑप्शन कुछ और दिया है, बट एक्चुअली में करेक्ट आंसर वो था। तो जो ये बुक्स हैं इनमें काफी ज्यादा गलत भी दिया होता है, तो मुझे नहीं पता कि आर के जैन ने क्या आंसर दिया है, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट मी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको देना है वो सारा कंटेंट NPTEL का देना है। और गाइज अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कहीं पर भी तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं NPTEL का बता करके। ठीक है, वो एक हमारे मिनिस्ट्री जो है, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके MHRD से फंडेड कह सकते हैं, MHRD के अंडर हमारा NPTEL चलता है, तो उसको आप एक तरीके से उसको चैलेंज कर सकते हैं NPTEL में ना। आर के जैन का क्वेश्चन आया, आर के जैन ने आंसर दिया है हाई कार्बन स्टील, आप गेट में कभी क्वेश्चन आया और आपने लगा दिया हाई कार्बन स्टील और फिर आप जाके आर के जैन किताब का फोटो लेके जाओगे, वो वहीं पर आपको भगा देगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप थोड़ा समझ करके चीजें करिए। ठीक है, जो किताबें हैं उनको फॉलो करिए बट ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ठीक है, रवि दावरा, प्लस में कोर्स आ चुका है। ठीक है रवि दावरा, प्लीज आप एक बार जो मेरी टेलीग्राम का ग्रुप है ना उसमें जाके देखिए, मैंने लिंक भी डाल दी है। फेसबुक में भी मैंने लिंक अपलोड किया है। ठीक है, फेसबुक में भी मैंने लिंक अपडेट किया है, तो आप वहां से मेरा कोर्स देख सकते हैं। ठीक, चलो देखो, जो हाई कार्बन स्टील है मैंने बोला है इसका टफनेस जो है वो कम है और फॉर्मेबिलिटी जो है वो और भी ज्यादा कम है। देखो
नहीं, जबी दावरा मैंने वो तो वन ही दिखा रहा है, नहीं टू भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, लिंक मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लीजिए, मीनू गेट ईएसई, मीनू गेट ईएसई सर्च करिए फेसबुक में। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है अभी, अनअकैडमी का क्या प्रॉब्लम है मेरे को भी नहीं पता है, वो प्रॉब्लम हमें सॉर्ट आउट करना होगा। आई जस्ट आस्क देम टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, आप सर्च करिए, यहाँ पर मैंने इसकी लिंक ऐड कर रखी है, कल ही ऐड की थी। ठीक है चलो, तो ये है हमारा हाई कार्बन स्टील। देखो जो मीडियम कार्बन स्टील, मैं आप कुछ स्टेटमेंट आपको बोल रही हूँ, आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं कुछ स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है मेरा कि जो मीडियम कार्बन स्टील के बारे में सारे स्टेटमेंट है, ये मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील पहला स्टेटमेंट है, इट कैन बी क्वेंच हार्डेंड बट नॉट केस हार्डेंड। पहला स्टेटमेंट है, इट कैन बी क्वेंच हार्डेंड बट नॉट केस हार्डन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जी हाँ सेलर विवेक, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जो ये हटके हटके जो डाउट है ना, इनको बाद में ही, वरना वो लेक्चर जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। चलो बिल्कुल सही बात बोले हैं, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू ऑल ऑल्सो। देखो कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू। मैंने आपसे बोला मीडियम कार्बन स्टील कैन बी क्वेंच हार्डेंड बट नॉट केस हार्डेंड, ट्रू है या फॉल्स है? पहले मुझे ये बताओ, क्या केस हार्डनिंग मीडियम कार्बन स्टील में की जाती है या नहीं की जाती है? कुछ लोग मोहम्मद अफजल बोल रहे हैं ट्रू, पॉल साहब बोल रहे हैं फॉल्स, इलेक्ट्रो मास्टर बोल रहे हैं ट्रू, सेलर विवेक बोल रहे हैं फॉल्स, हैरी के बोल रहे हैं ट्रू। देखो पहली बात मुझे ये बताओ, अभी अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो हमारा कार्बराइजेशन है वही तो केस हार्डनिंग होती है ना, कार्बराइजेशन ही तो केस हार्डनिंग है, वो किस में होता है? लो कार्बन स्टील में होता है, वो मीडियम कार्बन स्टील में नहीं होता है, ओनली लो कार्बन स्टील में हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। गाइस ये बात याद, इट गाइज आप लोगों के पास क्या व्यू नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, हाँ आ रहा है, बताइए। इट एग्जिबिट्स डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट, क्या ये डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट बताता है? डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि एक हाई, एक यील्ड पॉइंट नहीं दो यील्ड पॉइंट दे, एक हाई यील्ड पॉइंट एक लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, दो यील्ड पॉइंट दे, इसका मतलब ये है। डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट का मतलब दो यील्ड पॉइंट। क्लास की टाइमिंग डेली 12 बजे ही होती है मेरी, जी हाँ ये बहुत ही ज्यादा ट्रू स्टेटमेंट है। जो कार्बन होने की वजह से एक क्वार्टरल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, क्वार्टरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है देखो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या होता है, क्यों हमारी जो स्टील होता है वो दो यील्ड पॉइंट शो करता है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। आप लोगों को याद होगा जो स्टील का हमारा ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, ये अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट और ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अब गाइस आपको समझना होगा कि क्यों ये दो यील्ड पॉइंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये इसलिए आते हैं, यहां पर मैं आपको समझा देती हूँ, मैं अभी कोई वर्ड नहीं यूज कर, देखो मान लो कि ये यहाँ पर इस तरीके से आयरन के लगे हुए हैं, ठीक है, आयरन के एटम्स हैं, ये जो ब्लू कलर का है ये आयरन का एटम है, और मैंने आपसे ये बोला है कि
कि जो हमारा कार्बन है, ये मैंने थोड़ा दूर दूर बना लिया है, जो कार्बन है एक तरीके का इंटरस्टीशियल वॉइड है, ठीक है। जो कार्बन है एक तरीके का, जो पर्पल कलर का है अभी, वो हमारा कार्बन है गाइज। अभी जो साइज है उसको रेफर मत करिएगा, साइज जो है उसको रेफर मत करिएगा, हमको अभी चेंजेस देखने हैं। देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक तरीके का इंटरस्टीशियल वॉइड, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे जाके कार्बन बैठेगा, तो जो कार्बन का जो साइज होता है वो जो स्पेस है ना उससे बड़ा होता है। बात समझो, जो स्पेस अवेलेबल है रहने के लिए, कार्बन का साइज बड़ा है, कार्बन जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो क्रिएट करेगा, अगल बगल वाले आयरन के आइटम को धक्का देगा। तो इनिशियली आपको इस स्ट्रेस की वजह से, ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है बिटवीन द कार्बन एटम एंड द आयरन एटम, उसकी वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, आपको इनिशियली एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है स्ट्रेन करवाने के लिए। तो वो आ गया हमारा अपर हील पॉइंट, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन खत्म होगी, जैसे ही आपने एक फोर्स लगा दिया गाइस, तो ये देखो एक बार जब आपने फोर्स लगा दिया तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा। मान लो अब ये ऐसा ऐसा फॉर्म होने लग गया, यहाँ पर ये बैठे हैं आयरन, और जब ये इस तरीके का फॉर्म हो गया तो जो स्पेस है वो बढ़ गया, आपने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया था ना, स्पेस जो है अंदर इंटरस्टीशियल वॉइड जो है वो इंक्रीज हो गया। अब आयरन क्या करेगा, आयरन जो है वो आराम से जाकर के फिट हो जाएगा विदाउट टचिंग, उसको आराम से घर बन गया ना, पहले वो घुसा इधर उधर स्ट्रेन लगाया जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, जो आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगाया हुआ था, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो इंटरस्टीशियल वॉइड है वो इंक्रीज कर गया है, इंटरस्टीशियल वॉइड इंक्रीज कर गया है, और जिसकी वजह से अब कार्बन जो है वो आराम से इंटरस्टीशियल वॉइड में फिट हो पा रहा है, उसी वजह से ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है यहाँ पे घट गई और आपको दूसरा यील्ड पॉइंट मिला, वो है लोअर यील्ड पॉइंट। एक्चुअली में क्या होता है कि एक बार अगर आपने स्ट्रेस कर दिया उसके बाद दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बार आपने स्ट्रेस कर दिया तो दोबारा आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से एक बार अपर यील्ड पॉइंट मिलता है, एक बार लोअर यील्ड पॉइंट मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे। देखो यंग मॉडल्स विल नॉट चेंज विद कार्बन परसेंटेज, प्रभात शर्मा, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। चेलर विवेक, डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक और ओनली वन होता है मैम, नहीं डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इट एग्जिबिट्स डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट, मतलब दो यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, ये आपको और किसी मैटर में नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको यहीं पे एल्यूमिनियम का बनाना है तो एल्यूमिनियम का ये होता है, एल्यूमिनियम में कहां आपको यील्ड पॉइंट ही मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है गाइस, इसी वजह से ये ऐसा है। तौफीक खान कह रहे हैं मैम क्वेंचिंग हार्डनेस भी तो केस हार्डनिंग के अंडर आता है। तौफीक खान एक बात समझिए, क्वेंचिंग जो है वो हमारी पूरा वॉल्यूम मटेरियल के लिए है, लेकिन केस हार्डनिंग जो है वो सरफेस के लिए है। प्लीज एक बार जाके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस तौफीक खान एक बार जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने केस हार्डनिंग पढ़ाई है। केस हार्डनिंग में क्या होता है, सिर्फ सरफेस में हम कार्बन कंटेंट को बढ़ा देते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसमें कार्बन कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता। जो क्वेंचिंग होती है उसमें कार्बन कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वेरी वेरी फास्ट कूलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्डनेस वहां पर क्रिएट हो जाती है। केस हार्डनिंग में क्या होता है, हम साइनाइडिंग करते हैं, नाइट्राइडिंग करते हैं, ये सब जो प्रोसेस है उसमें हम कार्बन या नाइट्रोजन का कंटेंट जो है सरफेस में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोअर लो कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन का कंटेंट सिर्फ 0.2% है, उसका कार्बन कंटेंट बढ़ के 0.8% हो जाता है, जो कि आ जाता है मीडियम कार्बन स्टील, और हम कह सकते हैं यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन। अब जब हमें यूटेक्टोइड कॉम्पोजिशन मिल गया है और हम क्वेंचिंग करेंगे तो हमें 100% मेटनसाइड मिलेगा, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तौफीक खान प्लीज गो एंड वॉच दैट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वीडियो, ठीक है। चलो एक बात मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बताने चाहती हूँ। जो बैबिट होता है, बैबिट मटीरियल एक होता है, या बैबिट ऑलॉय जो होता है उससे हम बियरिंग बनाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट है याद रखिएगा। देखो जो थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल वो टंगस्टन, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेन जो है उससे हमारा थर्मोकपल बनता है। ये सारी बातें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टाइप कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्लेन कार्बन स्टील। फैक्टर नंबर वन मैं लिख रही हूँ परसेंटेज कार्बन। क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट में है क्वेंचिंग मीडिया। थर्ड नंबर पे है वर्क साइज। ठीक है, मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, आंसर बताइए सभी लोग, फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इन अ प्लेन कार्बन स्टील। दीपक कुमार पूछ रहे हैं मैम व्हाट विल बी द इंटरनल इफेक्ट ऑफ केस हार्डनिंग। डियर, केस हार्डनिंग में इंटरनल जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, आउटर में क्या होता है हार्ड होता है। जो इंटरनल होता है उसका अंदर जो वॉल्यूम के अंदर होता है उसका टफनेस ज्यादा होता है और सरफेस उसका हार्ड होता है। हीट ट्रीटमेंट देखो एक बार पता चलेगा। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसर, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है गाइस। बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। इन्फ्लुएंस व्हाट, हिमांशु ने अभी अभी पूछा है इन्फ्लुएंस व्हाट, इन्फ्लुएंस एनीथिंग, जब कुछ नहीं बोला है तो एनीथिंग सब मान के चलो। ठीक है, इन्फ्लुएंस जब कुछ नहीं बोला है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी तरह की दुनिया में प्रॉपर्टीज, सब कुछ मान के चलो। क्वेश्चन ही जब इस तरीके का है। दीपक कुमार कह रहे हैं मैम देर विल बी नो क्रिस्टलाइजेशन इन इंटरनल, मैंने तो नहीं बोला रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो, क्वेंचिंग करोगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन तो होवे करेगा बट कार्बन का कंटेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, कार्बन का कंटेंट नहीं चेंज होगा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा दीपक कुमार। चलो पहली बात तो प्लेन कार्बन स्टील को परसेंटेज कार्बन जो है इन्फ्लुएंस करेगा, बिल्कुल करेगा। क्वेंचिंग मीडिया, भैया लो कूलिंग रेट है या हाई कूलिंग रेट है वो इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। वर्क साइज, भैया वर्क साइज, क्योंकि इसने नहीं बोला है कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊं या केमिकल प्रॉपर्टी बताऊं, ये ऊपर वाली परसेंटेज कार्बन तो केमिकल प्रॉपर्टी को, ये क्वेंच मीडिया जो है उसकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर उसको बदल देगा, जो वर्क साइज है वो उसकी मैं कह सकती मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बदल देगा। वर्क साइज जो है, कंफ्यूजन दो तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, दो तो वन एंड टू बहुत सारे लोगों ने बताया, दो तो क्लियर होगा। अगर कंफ्यूजन आना है तो कंफ्यूजन जो है वो थर्ड पार्ट में आना है जो कि वर्क साइज, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, माइक्रो प्रॉपर्टी, मैक्रो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या नहीं मेंशन किया तो मैं सब मान के चलूंगी। जो वर्क का साइज है, आप उसका साइज को चेंज करोगे, उसका क्या कहते हैं उसके, आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दोगे, उसके शेप को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, उसकी मैक्रो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मैक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस, हेंस प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस। अब माइक्रो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, मैक्रो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, मैक्रो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, देयर फोर ऑल द थ्री आर द करेक्ट आंसर, सभी तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, अब ये देखो यहां से हमारा ये वाला पार्ट, स्टील वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने तीन तरीके की पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे कास्ट आयरन पे, कास्ट आयरन पे मूव करेंगे गाइस। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आप लोगों को याद हो पूरा आयरन कार्बन डायग्राम में
सबसे पहले हवा में मैं आपको याद दिलाती हूँ जो कार्बन डाइग्राम है 0.8, 1.8, 2.4 और 4% और 6.67%, ये पॉइंट हम दिखाते हैं उसमें। जो हमारी 1.8% से नीचे होता है उसको हम कहते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। जो 1.8 से बड़ा होकर के 2 से कम होता है वो होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। और यहीं पे हमारे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील आ जाता है। जैसे ही हम 2% से ऊपर जाते हैं तो हम उसको कहने लग जाते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। चौधरी अजय बोल रहे हैं माइक्रो और माइक्रो डिफरेंस। चौधरी अजय, अगर आप पहले मुझे फॉलो कर रहे होते तो ये मैं माइक्रो माइक्रो में डिफरेंस कई बार बता चुकी हूँ। देखो, माइक्रो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होने का मतलब ये है उसकी क्रिस्टल प्रॉपर्टीज का बदल जाना। ठीक है, वहां पर क्रिस्टल अंदर माइक्रोस्कोप से देख करके और 100x से ज्यादा जूम करके जो आपको दिखते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रॉपर्टी। और मैक्रो प्रॉपर्टी वो होती है जो नेकेड आई से आपको दिख जाती है। ठीक है, नेकेड आई से जो आपको दिख जाती है वो मैक्रो प्रॉपर्टी होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करने जा रहे हैं हमारे कास्ट आयरन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज लिखने जा रही हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज फ्रॉम 2% टू 4.5%। और समटाइम जो 4.5% से ज्यादा होता है उसे हम ग्रे कास्ट आयरन भी कहने लग जाते हैं। पर यहाँ पर मैं कास्ट आयरन बोल रही हूँ तो 2% से 4.5% से बीच में जो कॉम्पोजिशन होता है उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, इट इज प्राइमरली एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आप लोगों को पता है हम आयरन और कार्बन की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन का आ रहा है। लिखते हैं वन बाय वन, लिखते हैं चलते हैं। इट इज प्राइमरली एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, जहां पर हमारा कार्बन का परसेंटेज क्या होता है 2% से लेके 4.5% से होता है। ठीक है, चलो अब ये हमारा बेसिकली बनाया कैसे जाता है। ये हमारा सबसे पहले जो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आयरन ओर से सबसे पहले जो मुझे मटेरियल मिलता है वो क्या होता है। सबसे पहला जब हम वहां पर कह सकते हैं आयरन ओर से आयरन को अलग कर रहे होते हैं, द फर्स्ट बेसिक मटेरियल दैट वी आर गेटिंग इज व्हाट, पिग आयरन। परफेक्ट रविश, अच्छा ये कुछ और बता रहे थे बस सही बढ़ गया। पिग आयरन जो है वो फर्स्ट मटेरियल होता है जो हमारा फर्स्ट टाइम ऑफ जब आयरन ओर को जब हम आयरन से अलग करते हैं, ओर को जब हम ओर ऑक्साइड्स को हम आयरन से अलग करते हैं जो हमें मिलता है वो होता है पिग आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो है वो हमारा रीमेल्ट किया जाता है पिग आयरन को और उसमें कोक और लाइमस्टोन। कोक क्या है, कोयला, कोयले का फॉर्म है। लाइमस्टोन क्या है, चूना। उन दोनों के साथ मिला करके उसको फिर से क्यूपला फर्नेस में डाला जाता है। उसके बाद जो आपको मिलता है उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पिग आयरन दिया है, बहुत परफेक्ट आंसर। देखिए कास्ट आयरन कैसे बनता है। द कास्ट आयरन is obtained by remelting pig iron with coke and limestone, with limestone and coke in a furnace known as cupola furnace। ये वर्ड आपको याद करना है क्यूपोला, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और ये पिग आयरन से बनता है। जी हाँ यूसुफ मोहम्मद, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। क्यूपोला जो फर्नेस है उसी से हमारा कास्ट आयरन बन करके तैयार होता है। देखो भैया, अब ये देखो कार्बन जो है आयरन के साथ दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मैं अब आपको समझाने वाली हूँ मुद्दे वाली बातें। मुद्दे वाली बात में पहला बात यह है कि जो कार्बन है वो आयरन के साथ दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला फॉर्म है फ्री कार्बन के फॉर्म में। फ्री फॉर्म में मतलब ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो मेरी बात समझो,
देखो मेरी बात समझो, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जो कार्बन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है? एक तो वो क्या करेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो कार्बन जो आयरन है उसके साथ कंबाइन नहीं होगा, वो बोलेगा कि नहीं भैया मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं कंबाइन नहीं होगा, मैं बिल्कुल अलग एक तरीके से एग्जिस्ट करूंगा, मैं ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करूंगा। वो एक फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म हो गया जो कार्बन जो है वो रिएक्शन करके साथ आयरन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको हम कहते हैं सीमेंट टाइप, Fe3C। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो कार्बन है वो 6.67% ही मैक्सिमम जो है वो सॉलिड सोल्यूशन बनाया जा सकता है आयरन के साथ। अगर आपने 6.67% से ज्यादा कार्बन मिलाने की जरूरत की तो वो कार्बन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ग्रेफाइट फ्लेक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुन लिया है आप लोगों ने, आई थिंक ये आपको, ग्रेफाइट फॉर्म क्या होता है भैया? विकास कुमार ये बोले हैं, जब भी कार्बन जो है आयरन के ऊपर एक फ्लेक फॉर्म में, मतलब कंबाइंड ही ना हो, ऊपर ऊपर बैठा बैठा मिले, और वहां पर उसकी मशीनेबिलिटी, मैं कहती हूँ कि वो जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि स्लिपरी स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन का कंटेंट 6.67% से ज्यादा, हाँ ऐसा है, जब हम कार्बन का परसेंट 6.67 से कम करते हैं तो वो पूरा का पूरा उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। बट समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर 6.67% से ज्यादा चले गए तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो टू फॉर्म्स, कार्बन कैन exist in iron in two forms, ठीक है। पहला फॉर्म है कंबाइंड फॉर्म और सीमेंट टाइप, जिसको हम Fe3C बोलते हैं, ये एक तरीके का कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड फॉर्म जिसको हम Fe3C और सीमेंट टाइप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्री कार्बन और ग्रेफाइट। फ्री कार्बन जब आयरन के साथ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग ग्रेफाइट कहने लग जाते हैं, और फ्री कार्बन ऐसे ही हम उसको कोक कहने लग जाते हैं, है ना। फ्री कार्बन और ग्रेफाइट फॉर्म, इन्हीं दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ जी रवि शॉक सही बोल रहे हैं, वे कास्ट आयरन है, आयरन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक ही होता है। मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन डिस्कस हो रहा है, देखो 2% से 4.5% ही है बस, ठीक है। जब ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें जो कार्बन है वो ग्रेफाइट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही लिखा है, जहां लिखा है कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसमें लिख देती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन लिख देती हूँ एक साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन। सबसे पहली बात, बहुत ही ज्यादा सस्ता चीज है ये, ठीक है। देखो ऐसा है, पैसा जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी है वो पैसे पे ही तो टिकी हुई है यार। अभी देखो कोरोना वायरस की वजह से कितना ज्यादा हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लॉस हो रहा है यार। मेरे को तो ये लगता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा, लोग अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद हो जाएंगे, तो फिर बिजनेस ही नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा। मनी हमेशा रोटेट होता रहना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, रोटेट, कभी भी स्टैग्नेंट फॉर्म में रखा रहता है तो वो हमारी इकोनॉमी को गिरा देता है। और अपने इंडिया में तो वैसे भी लोग मतलब कैश जो है अपने घर में बिस्तरों में दबा के रखते हैं, हमेशा पैसा है वो रोटेट होते रहना चाहिए। जब पैसा रोटेट होता है तो इकोनॉमी हमारी बढ़ती जाती है। मैं कहां से कहां पहुंची, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन में सबसे पहली बात ये है, जो कास्ट आयरन है कुछ नहीं, आयरन और लेके आओ, पिग आयरन निकालो, पिग आयरन में चूना डालो और थोड़ा सा कोयला ले आओ, कोक लेके आके डाल दो और उसको क्यूपला फर्नेस में डाल दो, थोड़ी देर बाद निकालोगे आपको कास्ट आयरन मिल जाएगी। बहुत ही सस्ता फॉर्म है, ठीक है। इट इज लो इन कास्ट एंड हैविंग वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक वो हमारे रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि लो कॉस्ट है इसकी, ठीक है। दूसरा बात है कि जो इसकी कास्टिंग कास्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, गुड कास्टेबिलिटी, बहुत अच्छी तरीके से कास्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कास्ट आयरन रखा गया है, पहली बात ये भी ध्यान लेना, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कास्ट आयरन भी रखा गया है क्योंकि इसकी गुड कास्टेबिलिटी होती है, गुड
कास्टेबिलिटी, ठीक है। थर्ड, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, तो मैं लिख सकती हूँ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, मैं थोड़ा उल्टा पहुंच गई हूँ। पहले मुझे बोलना चाहिए था, मुझे ये बताओ कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डक्टाइल की ज्यादा होती है या ब्रिटल की ज्यादा होती है। फटाफट बताओ सभी लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा अच्छी होती है या ब्रिटल मटेरियल की ज्यादा अच्छी होती है। कान ऐसे पकड़ना चाहिए था, मैंने ऐसे पकड़ लिया है, कोई बात नहीं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डक्टाइल की ज्यादा अच्छी होती है या ब्रिटल की ज्यादा अच्छी होती है, बताइए भाई लोग। लो भैया डक्टाइल आ गए आंसर, क्यूट किट कह रहे हैं डक्टाइल। भैया ब्रिटल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है डियर, जितने लोग डक्टाइल कह रहे हैं उनको मैं समझा देना चाहती हूं, ये गलती दोबारा मत करना कि आप कह दो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डक्टाइल की ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल की ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा होती है। तो अगर मैंने बोला है कास्ट आयरन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा ब्रिटल इन नेचर। नॉट दैट ब्रिटल इन नेचर, बट यस ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा हाई वियर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, हाई वियर रेसिस्टेंस। तो हार्डनेस कैसी हुई इसकी, मैं सारे पॉइंट उल्टा ही ले रही हूँ। हाई वियर रेसिस्टेंस, अगर किसी भी मटेरियल की वियर रेसिस्टेंस हाई होती है तो उसकी हार्डनेस कैसी होती है, हार्डनेस भी हाई हो जाती है, ठीक है। एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, ठीक है। चौधरी आर्या पीछे पड़ गए हैं डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक के। देखो पहले मेरी बात समझो, माय दिस थिंग इज डेडिकेटेड टू अजय, सॉरी नॉट आर्या, दिस इज अजय, आई एम वेरी सॉरी फॉर रीडिंग योर नेम रॉन्ग, चौधरी अजय। तो डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है, वो डैम्पिंग प्रॉपर्टी हाई तब होती है जब कार्बन हमारा फ्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। मैं बोल रही हूँ कार्बन अगर मेरा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती डियर। अभी देखो क्या मैंने बोला, कास्ट आयरन बोला, ठीक है। कहाँ गए नाम वो, चौधरी अजय, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना है, 2% से 4% तक, ठीक है। और मैंने बोला है 4.5% से ज्यादा और 6.67% से कम जो है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है। और मैं आपसे बोल रही हूँ जब भी 6.67% से आप नीचे जितना जाते जाओगे कार्बन जो है कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, फ्री फॉर्म में कम एग्जिस्ट करेगा। जो ये कास्ट आयरन है ना, कास्ट आयरन 2% से लेके 4.5% तक ज्यादातर यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कहते हैं जो ग्रे कास्ट आयरन है उसमें जो कार्बन है वो हमारा ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमारी जो डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रे कास्ट आयरन की ज्यादा होती है। क्योंकि अब देखो अगर ऑप्शन में आपको कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन दोनों दे दे तब आप ग्रे कास्ट आयरन लगाना, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जो डैम्पिंग प्रॉपर्टी जो है वो दे दे माइल्ड स्टील, हाई स्टील और बोल दे आपसे एल्यूमिनियम और फिर बोल दे कास्ट आयरन, तो इस केस में आप कास्ट आयरन लगा दोगे, है ना। डिपेंड करता है हमारा कि कितना हम ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो फाइनली ये जो मैं कास्ट आयरन बोल रही हूँ यहाँ पर आप, मैं जो ये आपने ये जो डैम्पिंग की प्रॉपर्टी है उसका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर रही हूँ कि जब मैं ग्रे कास्ट आयरन करूंगी तो डैम्पिंग प्रॉपर्टी मैं वहां पर डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर ऑप्शन आपको मतलब कि नहीं कह पा रहा है, ऑप्शन आपको मतलब अलाउ नहीं कर रहा है कि आप किसी और पे जाओ, तब आप कास्ट आयरन को ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमेशा कास्ट आयरन की ज्यादा होती है हमारे किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ से,
ठीक है। चलो अब मैं एक पॉइंट दे रही हूँ, आप लोगों को बताना है ट्रू और फॉल्स। देखो अकास्ट आयरन स्पेसिमेन शाल फेल, मैं लिख रही हूँ अकास्ट आयरन स्पेसिमेन शाल फेल ड्यू टू शियर व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। आंसर ट्रू और फॉल्स। व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ट्रू और फॉल्स। कास्ट आयरन जो स्पेसिमेन है वो फेल करेगा शीयर से व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। ज्योत्सना रानी नंदी, जी हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आई मीन टू से जो भी वेल्डिंग कास्टिंग मेटल फॉर्मिंग जो है वो SSC गेट ESC सभी के लिए इनफ है। दीपक कुमार शर्मा कह रहे हैं अन अकेडमी प्लस पर केवल मटेरियल साइंस आपसे पढ़ना है तो क्या करें, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक महीने का ले लीजिए, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा ना, एक महीने का 5,000 का है और आपको ओवरऑल फीस ही 22,000 लगेगी पूरे साल की, तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा साल का ही ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू, जरा नाम भी ले रहे, रवि शॉ कह रहे हैं यस, फिर रोहित कुमार कह रहे हैं प्लीज आंसर माई कॉमेंट, आपका कॉमेंट रोहित ऊपर चला गया, आई एम वेरी सॉरी। रवि शॉ ट्रू कह रहे हैं, विकास कुमार फॉल्स कह रहे हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। चलो देखो समझाती हूँ आपको, मैंने आपसे बोला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो कास्ट स्पेसिमेन अगर आपने कंप्रेसिव लोड लिया है तो भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसकी, तो कंप्रेसिव तरीके से तो वो फेल हो ही नहीं सकता, क्रशिंग तो हो ही नहीं सकती है ना, क्रशिंग नहीं हो सकती, तो वो शियर से फेल कर जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये लोग, समझ रहे हैं आप लोग। मैं आपसे बोल रही हूं जो हमारा कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन जो है वो मतलब कहने का मतलब यह है कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो वो कंप्रेसिव लोड से तो फेल होगा नहीं ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से वो फेल नहीं होगा, वो शियर से फेल हो जाएगा, वो किसी और तरीके से फेल हो जाएगा शियर से, क्योंकि वीक एंड शियर होते हैं ये लोग, वीक एंड टेंसाइल भी होते हैं बट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेसिव होते हैं, तो कंप्रेसिव से तो नहीं है, तो टेंसाइल से फेल होगा या तो शियर से फेल हो जाएगा, इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो सही है। अभी देखो एक स्टेटमेंट में अगर दू, कास्ट आयरन हैज पुअर एबिलिटी टू डैम्प वाइब्रेशन, जी हाँ कास्ट आयरन जो है वो वीक इन टेंशन होता है एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, ये बताइए जो कास्ट आयरन होता है, फिर वही बता देखो एक ये एक यूजुअल वर्ड यूज हो गया, एक स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ कास्ट आयरन हैज पुअर एबिलिटी टू डैम्प वाइब्रेशन ट्रू और फॉल्स। अभी देखो वही बात यहां पर फिर से आ गई, ग्रे कास्ट आयरन कास्ट आयरन वाली, अगर आपके पास दो हैं कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन दोनों ही ऑप्शन में, तो ग्रे कास्ट आयरन आंसर लगा दो, अगर आपके पास कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन का भी हम कह सकते हैं इन कंपेरिजन टू अदर डैम्प वाइब्रेशन जो है वो अच्छा करता है, डैम्प वाइब्रेशन जो है वो अच्छा करता है, देयर फोर हम इसको कहेंगे ट्रू। ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। देखो मैम हार्डनेस ज्यादा होगी तो मशीनेबिलिटी डिफिकल्ट होगी ना, तौफीक खान एक बार बताओ जो क्या मशीनेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस पे डिपेंड करती है, मेरे को तो नहीं लगता, जो मशीनेबिलिटी है वो बहुत सारे ऑप्शंस में डिपेंड करती है, मशीनेबिलिटी है वो बहुत सारे ऑप्शंस में डिपेंड करती है, मशीनेबिलिटी हमारी
टूल के लाइफ पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बात को समझने की कोशिश करिए, जो मशीनेबिलिटी है, मैंने क्या बोला है पहले में, जो मशीनेबिलिटी है वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इसी में लिखा हुआ था यहाँ पर, हाँ, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, हाई वियर असिस्टेंस, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है हमारी मशीनेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस पे डिपेंड नहीं करती है। नॉर्मली जब आप कहाँ पर पढ़ते हैं मशीनेबिलिटी वाला टर्म, बहुत ज्यादा मशीनेबिलिटी वाला टर्म हमारा वहां पर पढ़े, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो वहां पर मशीनेबिलिटी वो समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, हार्डनेस जो है वो मेजर फैक्टर है मशीनेबिलिटी का, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा कास्ट आयरन है इसकी मशीनेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी होती है यहाँ पे कास्ट आयरन की। ये प्रॉपर्टी आपको कास्ट आयरन की समझ में आनी ही चाहिए। इसका जो वियर है वो वियर रेसिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है, हाई वियर रेसिस्टेंस होता है हमारा कास्ट आयरन का, और मशीनेबिलिटी भी इसकी एक्सीलेंट होती है। और मशीनेबिलिटी सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं, कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ हार्डनेस मेजर फैक्टर हम मानते भले ही हैं इसको, लेकिन अदर फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स जो हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देयरफोर यहाँ पर जो है इतना दिल से मत लीजिए हार्डनेस को, ठीक है। सारे लोग हार्डनेस को इतना दिल से मत लीजिए कि पता चला सिर्फ हार्डनेस से आपने मशीनेबिलिटी को लिंक करके और अपना बैठ गए, ऐसा नहीं है आपके लिए। हमारा जो है मशीनेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और कास्ट आयरन के लिए रिमेंबर रखिए कि आपकी जो मशीनेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और वियर रेसिस्टेंस भी कास्ट आयरन का काफी अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये करते करते मुझे याद आ रही है, तो मैं उसके डायग्राम आप लोग के लिए बना दे रही हूँ, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल के लिए। मैं तीन मटीरियल बना रही हूँ, मुझे आप लोग बताएंगे कौन से मटीरियल के लिए कौन सा है। नंबर 1, 2, 3, और मैं दे रही हूं माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और कॉन्क्रीट। ऑप्शन मैच कराइए फटाफट, ऑप्शन मैच कराइए सभी लोग, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉन्क्रीट। नंबर 1 तो माइल्ड स्टील है, दूसरा कास्ट आयरन है, 3 कॉन्क्रीट है। बिल्कुल सही बात है, ये जो नंबर 1 है हमारा कहाँ गया, ये माइल्ड स्टील है, ये कास्ट आयरन है, ये कॉन्क्रीट है। अगर मुझे यहीं पे एल्यूमिनियम का बनाना होगा, अच्छा कास्ट आयरन, और यहां से यहां मैं बना दूं तो ये ग्रे कास्ट आयरन बन जाएगा, ठीक है। यहां से यहां अगर मैं बना दूं तो ये ग्रे कास्ट आयरन बन जाएगा, ठीक है। और देखो ये फिगर थोड़ा खचड़ पचड़ हो रहा है, इसलिए कॉन्क्रीट वाले को डिलीट करके मैं एक और बना देती हूँ यहाँ पर। ये है हमारा, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये एल्यूमिनियम का बन जाएगा, ठीक है। वो दोनों का एक साथ बनाने में ठीक नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने हटा दिया था। चलो अब देखो, एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी की बात आ रही है ना यहाँ पर, ये जो एक्सीलेंट, जितने लोग भी एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी पे हमारा रबर जो है पॉलीमर होता है, यहाँ से नीचे ऐसे करके निकल जाएगा। देखो मैं, मुझे बात यहाँ पे याद आ रही है, जो एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी है, वियर रेसिस्टेंस, जितने लोगों को मशीनेबिलिटी पे दिक्कत हो रहा था और जो जो कंफ्यूज हो रहे थे बैठ के, उनके लिए ये यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो डेडिकेटेड है। वो ये है कि अगर कभी भी कार्बन जो है वो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर कभी भी कार्बन जो है वो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फ्री ग्रेफाइट जो है वो सरफेस के ऊपर ऊपर जम जाता है, और वो जब सरफेस के ऊपर ऊपर जमता है तो वो मशीनेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर देता है। गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ मी, बिकॉज ऑफ विच
बिकॉज ऑफ विच रबर के पीछे ही पड़ गए आप लोग। सूरज रबर जो होता है उसका ई कितना होता है, थोड़ा सोचो। अब पहले मैं रबर को ही डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। देखो एक बात बताओ, जो रबर है उसका ई कितना होता है, 2 से लेके 10 तक होता है। माइल्ड स्टील का ई कितना होता है, 200 होता है, तो रबर तो नीचे ही आ जाएगा ना। एल्यूमिनियम का ई कितना होता है, सोचो ना बात को, ई एल्यूमिनियम का कितना होता है, 70 के आसपास होता है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। और जो माइल्ड स्टील का ई होता है ना वो 200 के आसपास होता है, जो रबर का ई होता है ना वो 2 से लेकर 10 तक होता है। तो भैया नीचे ही ना आएगा रबर, समझ में आ गया? कौन पूछा? सूरज सिंह तोमर, समझ गए हैं आप? क्यूट किड कह रहे हैं रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दो, ये दो बातें खचर पचर हो गई यहाँ पे, क्या रिपीट करना है? रबड़ के पीछे पड़ गए थे लोग कि मैम रबड़ का बताई नहीं, आगे निकल गई। मैं कह रही हूँ आपसे रबड़ का जो ई होता है वो 2 से 10 मेगा पास्कल या गीगा पास्कल, यूनिट नहीं याद आ रही मुझे, बट 2 से 10 होता है, ठीक है। और जो माइल्ड स्टील है उसको 200 होता है, एल्यूमिनियम का जो होता है माइल्ड स्टील से जस्ट हाफ होता है, 200 या 250 माइल्ड स्टील का होता है, बट एल्यूमिनियम से ज्यादा ही होता है, ठीक है। ई अगर रबड़ का इतना होता है तो भैया ये जो ग्राफ ना रबड़ के लिए नीचे से ही आएगा, ठीक है, नीचे से ही आएगा। अब रबड़ में भावनाएं आप लोग दिल लगा लेते हैं, वहीं बैठे बैठे रबड़ के साथ भावनाएं जोड़ ली आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ जाएं। अब गीगा पास्कल होता है, अभिषेक कुमार कह रहे हैं हाँ ठीक है गीगा पास्कल ही होता है। अब जितने लोगों ने मशीनेबिलिटी को पकड़ा हुआ था उनके लिए मुझे एक पॉइंट याद आया, स्ट्राइक किया, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ये जो एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी है वो ग्रेफाइट फ्लेक की वजह से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं वो हाईली मशीनेबल होते हैं, तो ये जो कास्ट आयरन है इसमें बहुत सारा जो ग्रेफाइट फ्लेक है वो ऊपर ऊपर जमा हुआ मिलेगा, और इसकी जो मशीनेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से एक्सलेंट मशीनेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। गाइज आई होप कि अब मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। जो इम्पोर्टेंट बात बताई थी आपने हार्डनेस को लेके, क्यूट किट कह रहे हैं, देखो यार वो बात निकल जाती है, खुद भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या बताई थी, मुझे भूल गया है थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको। जो भी बताया होगा वो सही बताया होगा। ये लेक्चर दोबारा आप देखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। नाउ आई एम एबल टू क्लियर दिस थिंग दैट हाई मशीनबिलिटी इज कमिंग ड्यू टू ग्रेफाइट फ्लेक ऑफ ग्रेफाइट, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वियर भी हाई होता है इसका। चलो नेक्स्ट, हार्डनेस पे चिपक के मत बैठना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारा कास्ट आयरन में, सबसे पहला जो है हमारा हम यहां पर ग्रे कास्ट आयरन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखो जो ग्रे कास्ट आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 3, 4, 5, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6% कार्बन होता है। 3 हो सकता है, 3% से लेकर के 6% या 6.67% तक जो कार्बन है उसको हम ग्रे कास्ट आयरन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ग्रे कलर क्यों होता है, देखो अगर कार्बन जो है वो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको जो कलर है वो काला काला होता है और वो ग्रेइश कलर देता है, देयरफॉर इसका नाम हमने रख दिया है ग्रे कास्ट आयरन। जो हमारा कास्ट आयरन है उसमें कंबाइंड फॉर्म में सीमेंटाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो सीमेंटाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करा तो उसको व्हाइट कास्ट आयरन कहने लग जाते हैं, जस्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी। और अगर वो फ्लेक के फॉर्म में ग्रेफाइट के फ्लेक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसे हम ग्रे कास्ट आयरन कहने लग जाते हैं। लिख रही हूं मैं The grey color is due to the fact that carbon present in the form of free graphite. चलो अभी ये बताओ अगर फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी मशीनेबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी लेस होगी? हार्डनेस पे मत जाना, इसकी मशीनेबिलिटी भी हाई होगी, ठीक है, इसकी मशीनेबिलिटी भी हाई होगी, हाई मशीनेबिलिटी हम कह सकते हैं, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी,
प्रॉपर्टीज में बोलेंगे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी लो होती है क्योंकि क्योंकि ब्रिटलनेस इसका हाई होता है, इसीलिए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नो डक्टिलिटी, कोई डक्टिलिटी नहीं होती, ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटल अलग होता है ये, नो डक्टिलिटी, ठीक है, इट इज इजिली मशीनेबल या हम कह सकते हैं हाई मशीनेबिलिटी होती है ग्रेफाइट फ्लैग के, ग्रेफाइट फ्लेक के फॉर्म में, ठीक है। देखो इसके अंदर एक ये होता है कि क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है, ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई होती है यहाँ पर, ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन हैज द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज गुड ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, हैज इट हैज ग्रेफाइट स्ट्रक्चर विच हैज गुड ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, इसी वजह से ये किस तरीके के पार्ट में यूजफुल होता है, इट इज यूज्ड इन द पार्ट जहां पर आपको स्लाइडिंग एक्शन बहुत ज्यादा होता है, इट इज यूज्ड इन द पार्ट विच हैज मोर स्लाइडिंग एक्शन, इट इज यूज्ड इन पार्ट Which has sliding actions. अब sliding actions कहाँ होते हैं, pencil, ठीक है, जो pencil की nib होती है वो हमारा एक तरीके का lubricant ही होता है, तभी इतना glide करती है pencil हमारा, वो graphite के form में ही carbon होता है उसमें, ठीक है, graphite के form में ही carbon होता है। अब इसके uses देखो, it is widely used in machine tool bodies, देखो uses, नंबर वन वाइडली यूज्ड इन मशीन टूल बॉडीज, ठीक है। सेकंड ऑटोमेटिव सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं, वहां पर भी आप ग्रे कास्ट आयरन यूज करते हैं, ऑटोमोटिव सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स वहां पर यूज होते हैं, फ्लाई व्हील्स वगैरह में भी, फ्लाई व्हील्स क्या होती है डियर बताओ जरा, किसी को पता है, फ्लाई व्हील वगैरह में भी यूज होता है। उसके बाद पाइप फिटिंग वगैरह में भी हमारा ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो लोग इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, देखो अभी फिर से रोहित कुमार ने चिल्ला के बोल दिया, जो मशीन बेड, लेथ मशीन का जो बेड होता है उसमें यूज होता है क्योंकि इट हैज हाई डैम्पिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि डैम्पिंग प्रॉपर्टी का मतलब देखो जो लेथ है वो वाइब्रेट करेगा, जब वाइब्रेट करेगा तो अगल बगल का जो लोग हैं वो क्या करेगा, वो भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, और अपन ऐसा चाहते नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको एक ऐसे बेड में रखेंगे जो वाइब्रेशन को डैम्प कर ले, वाइब्रेशन को खत्म करे, ट्रांसफर ना करे, ठीक है, ट्रांसफर ना करे। वो एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, वहां पर उसका अल्ट्राटेक सीमेंट का आता है, वो बगल से ट्रेन निकल रही होती है पूरा घर वाइब्रेट कर रहा होता है, फिर वो बनाते हैं घर अल्ट्राटेक सीमेंट से, फिर घर से बगल से ट्रेन निकलती है तो पता भी नहीं लगता कि भाई ट्रेन निकल गई। तो वही बात है कि जो वाइब्रेशन है वो कम मतलब ट्रांसफर करे, कम ट्रांसफर करे, वो बियर कर ले। लेकिन एक बार बताओ जो कहाँ से कहाँ जा रही है बात, जो रेल हमारी चल रही होती है उसके नीचे गिट्टियाँ डाल देते हैं हम लोग, जब इतना अच्छा वाइब्रेशन वो कर ले रहा है तो गिट्टियाँ ही क्यों डाल देते हैं, यही लगा देना चाहिए भैया, गिट्टियाँ इसे डाल देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांसफर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन के ऊपर ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग टाइप का हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये पाँचवें पार्ट में मैं लिख सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों ने फ्लाई व्हील का जवाब दिया है, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को बहुत सारा आता है। दीपक कुमार कह रहे हैं इट एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्वॉयर, और बाकी लोग कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, ये स्टोर एंड सप्लाई करता है, जब ज्यादा है तब स्टोर कर लेता है, जब कम है लोगों के पास तो दे देता है, तो ये इट एक्ट्स एज स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है।
अच्छा, सूरज सिंह तोमर कह रहे हैं, मैम स्पीड के फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करता है फ्लाई व्हील। डियर मैं एक बात आपको बता दूं, फ्लाई व्हील जो है एक तरीके का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अगर स्पीड के फ्लक्चुएशन को आपको मिनिमाइज करना है तो गवर्नर लगाया जाता है वहां पे, ठीक है। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको स्पीड का वो करना है, अगर आपको स्पीड को फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना है तो गवर्नर लगाइए। अगर आपको एनर्जी स्टोरेज का लाइक पंचिंग वगैरह जो होती है उसमें जो है उसको अगर आपको करना है तो फिर आप वहां पे फ्लाई व्हील लगाएंगे, ठीक है। तो पांचवें मैं लिखने वाली थी लेथ मशीन बेड। मैम काइंडली आंसर माई क्वेरी। प्रभात शर्मा आपका क्वेरी ऊपर जा चुका है, मैं अभी ऊपर जाके देखती हूँ लेथ मशीन बेड, ठीक है। गलती से बोल दिया, गलती अगर हो, सूरज सिंह तोमर ये जो गलतियां है ना बहुत भारी पड़ जाती हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2015-16 में जब मैंने गेट दिया था तो मैं आंसर, आज भी मुझे याद है, आंसर 2.32 लगा के आई थी समथिंग ऐसा, और इन्होंने आंसर 2.3 दिया था, नहीं 2. मतलब ये रेंज में नहीं लाइक कर रहा था, ऐसा कि बिल्कुल 0.01 ही उसके रेंज में अलग था और निपट गया था कहानी, है ना। ऐसी गलती जो है, गलत से बोल दिया जैसा कुछ नहीं होता, आराम से सोच समझ के ही बोला जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको अब डेजिग्नेशन बताने वाली हूँ, ठीक है। डेजिग्नेशन देखो, अगर जो ग्रे कास्ट आयरन है तो वो एफजी से FG150 मान लो लिखा है, तो पहली बात तो ग्रे कास्ट आयरन को एफजी से हम लोग कहते हैं, ठीक है, एफजी से डिनोट करते हैं। एफजी से क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है एफजी से, एफजी से क्या हो सकता है बताओ जरा। अच्छा, प्रभात शर्मा का डाउट मैं ऊपर पढ़ने जा रही हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। मैम एज यू सेड टिल 6.67 होल कार्बन विल बी इन कंबाइंड फॉर्म, सो हाउ ग्रे कास्ट आयरन बिलो 6.67% कार्बन बिकॉज इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन। हाँ जी, देखो प्रभात कुमार शर्मा, प्रभात शर्मा कुमार मैंने अपने आप लगा दिया आपके नाम में। मुद्दा बात यह है, मैंने आपसे ये कहा है कि 6.67 से ज्यादा अगर कार्बन हो तो सारा का सारा वो ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 6.67 से अंदर कैपेबिलिटी है कि वो फुल का फुल जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, कंबाइंड उसके पास कैपेसिटी है कि वो 100% कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्लेक के फॉर्म में। ये जो ग्रे कास्ट आयरन है इन्हें बनाया ही ऐसे जाता है कि 6.67% से कम होता है, लेकिन ये फ्लेक के फॉर्म में एग्जिस्ट हम उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू कंबाइंड एग्जिस्ट करवा लेते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। तो मेरे बात को आप इसको ऐसे ना लीजिए, मेरे कहने का मतलब, मैं स्टेटमेंट अपना फिर से देती हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन 6.67% तो मैक्सिमम इतना ही डिजॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो सारा ही सारा फ्लेक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा ग्रेफाइट के फ्लेक। लेकिन अगर 6.67 के परसेंट से कम है तो 100% वो एग्जिस्ट कर सकता है कंबाइंड फॉर्म में, बट थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो वो फ्लेक के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये है। फीरस ग्रे, दीपक कुमार कह रहे हैं फीरस ग्रे, ठीक है, फीरस ग्रे बिल्कुल सही बात है, लेकिन समटाइम इसको फ्री ग्रेफाइट भी कहने लगते हैं, और 150 इसका हमको मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कभी लिख दूं FG120 तो इसका मतलब है मिनिमम टेंसाइल, ये ग्रे कास्ट आयरन फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में, फ्रीस ग्रे के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 120 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 120 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे व्हाइट कास्ट आयरन से। आशीष कुमार जो है फिर से फ्लक्चुएशन ऑफ स्टील जो व्हील, फ्लाई व्हील जो है वो एक तरीके का स्टोरिंग डिवाइस, मेन पर्पस फ्लाई व्हील का ये है कि वो आपको एनर्जी स्टोर करे जब ज़्यादा है और दे दे जब कम है, बाकी अगर आपको फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं ग्रे कास्ट आयरन के बाद व्हाइट कास्ट आयरन। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये
कि जो कार्बन के परसेंटेज मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा बहुत 0.2-0.5 ऊपर नीचे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में हो सकता है। पहली बात समझिएगा आप लोग कि जो भी मैं कार्बन के परसेंटेज बता रही हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा कि आपको पता चला 3-4% ऊपर नीचे, 0.5-0.2% जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आशीष कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फ्लाई व्हील रिड्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड गवर्नमेंट मेंटेन द स्पीड अकॉर्डिंग टू द लोड। फ्लाई व्हील जो है, देखो मेन पर्पस की बात होती है कि पर्पस क्या है हमारा फ्लाई व्हील को यूज करने का, मैंने पर्पस के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। सेकेंडरी यूसेज फ्लाई व्हील का आप कह सकते हो, लेकिन प्राइमरी यूसेज फ्लाई व्हील का यही है कि एनर्जी स्टोर करे जब ज्यादा है और वापस करे जब कम है, ठीक है, ताकि आपको एक जब रिक्वायर्ड हो तब आपको। पंचिंग वगैरह में क्या होता है, पंचिंग वगैरह में यही तो होता है जब आप, ठीक है, पंचिंग वगैरह में क्या होता है, जब यही होता है ना कि जब जिस समय पे आप पंचिंग एक्चुअली में हो रही है उस समय पे आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो फ्लाई व्हील देता है। लेकिन गवर्नर क्या करता है, वो हमारा फ्लीट जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है, माइलो लोड वगैरह है हमारा, ये बात आप सही कर रहे हो कि लोड में जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है वो हमारा जो हमारा कमेंट्स पढ़ लेने में यही होता है कि जो बोल रहा है इंसान वो भूल जाता है। अभी नित्यानंद सरोज बोल रहे हैं, मैं मान अकेडमी में सब्सक्रिप्शन क्यों ले जब आप फ्री में पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही बात है नित्यानंद सरोज, डियर नित्यानंद सरोज, फ्री में सब्सक्रिप्शन मतलब फ्री में मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आप अन अकेडमी प्लस के देखिए अलग इम्पोर्टेंस है, प्लस में अलग इम्पोर्टेंस है, प्लस में जो भी कोर्सेज चलते हैं वो फुल तरीके से चलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। प्लस में अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ा रही हूँ। आपने कहा मुझे इसमें प्रॉब्लम है तो मैंने वो पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने कहा मुझे कल को मैम मुझे मेट्रोलॉजी में प्रॉब्लम है तो मैंने मेट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, या मैंने कभी रिवीजन कराना शुरू कर दिया या क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया, ये यूट्यूब का प्रोसेस होता है हमारा। पर प्लस में क्या होता है, प्लस में वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें फुल कोर्स लेना होता है, ठीक है। जैसे मटेरियल साइंस हो गया तो मैंने फुल कोर्स मटेरियल साइंस का कराया है, कराने वाले हैं, पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू हो रहा है, ठीक है, होने वाला है 18 या 19 से स्टार्ट हो रहा है, आप डेट देख लीजिएगा। तो प्लस में यही है कि जो लोग फुल तैयारी करते हैं वो उनके लिए है वहां पर, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, फुल कोर्स आपको मिलेगा, मटेरियल साइंस का फुल कोर्स मिलेगा। यूट्यूब पे फुल कोर्सेज नहीं आ सकता है यार, ये चीज समझिए आप लोग, फुल कोर्सेज देना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैप्सूल कोर्स भी लिया था अनकन्वेंशनल का, तो सारा प्रोसेस वहां पे अनकन्वेंशनल का डिस्कस किया है, ठीक है। जी हाँ, अनअकैडमी प्लस पे सारा सिलेबस कवर होता है, ठीक है। देखो भाई, जो मोदी जी है ना, ये जो अब की बार मोदी सरकार है क्योंकि वहाँ वायरस नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ घर बैठे काम होते हैं, तो अनअकैडमी प्लस में वायरस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। गाइस देखिए, ओके, जोक्स अपार्ट, अनअकैडमी प्लस में आपको फुल कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, कोई भी आधा अधूरा कोर्सेज नहीं मिलेगा। जितने भी एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, उनको इसी तरीके से अनअकैडमी लेता है कि सारे कोर्सेज, हम कोई भी कोर्स बीच में नहीं छोड़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज वो वहाँ पे हमें लेने ही नहीं देंगे। आपको मैं बता दूँ, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल प्रोसीजर होता है, अंटिल एंड अनलेस वी गिव देम द फुल कोर्स, मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर यूट्यूब की क्लास मुझे अनाउंस करनी होती है ना, तो मैंने कल सोचा, परसों आप लोगों ने शायद मुझसे बोला था कि मैम एलोइंग एलिमेंट ले लो, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक दो दिन में वो मैंने अनाउंस कर दिया उनसे बोल करके। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में हमें पूरे एक सब्जेक्ट का पूरा पूरा स्केड्यूल देना होता है, पूरे पूरे टॉपिक्स देने होते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चंस, क्विज, डाउट क्लियरिंग सब देना होता है, तब जाके वहाँ पे एक कोर्स आता है। ये डिफरेंस है और यूट्यूब में और अनअकैडमी में। देयरफॉर यू मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन टू सी द कंप्लीट कोर्स ओवर देयर, अदरवाइज जी हाँ, प्लस पे क्लास लेना शुरू कर दो, सबके सब फालतू क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएंगे। देखिए फालतू क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। अगर आपको कोई टीचर फ्री में पढ़ा रहा है तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लोगे? देखो यार, एक जेन्युइन सी मैं बात आपको बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म में बैठ करके, कि कभी भी देखो जब
पुराना जमाना भी हुआ करता था तो वहां पर भी एक गुरु दक्षिणा का एक सिस्टम हुआ करता था। भले ही आप 1 रुपया गुरु दक्षिणा दो, बट अगर आप किसी से ज्ञान ले रहे हो तो उसका भी फैमिली, उसका भी पेट, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, वो भी देखना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज फुल टाइम कोई वर्क क्यों करेगा? आप पहले सोचो, टीचिंग में अगर फैमिली को ही, अगर कोई भी टीचर है, मान लो कोई भी टीचर है, अगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो फुल टाइम टीचिंग क्यों करेगा वो? पहली बात सोचो आप। अगर वो फुल टाइम टीचिंग नहीं कर रहा है, मेरी बात आप ये समझना, जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ, कोई और जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ टीचिंग कर रहे हैं, आप उनसे बेस्ट आउटपुट नहीं ले सकते, क्योंकि दिमाग दो जगह डिवाइड हो रहा है। जो लोग सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं उनका काम सुबह शाम तक सिर्फ सोचते रहना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल सोचते रहना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचते रहना है, आपके डाउट्स के बारे में, तो आप डाउट पूछ लेते हो यहाँ से। कई बार ऐसा होता है रात में सोते वक्त भी डाउट दिमाग में चल रहा है, या किसी ने मैसेज कर दिया, दिमाग डाउट में चल रहा है। पर ऐसा जो लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार कि इस लेवल का डेडिकेशन टीचिंग में दिया जा सके किसी और जॉब को करके। क्योंकि आपको लग रहा है ना, ये जो टीचिंग इस लेवल पे चल रही है ना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाली, यार रियली तेल निकल के बाहर आ जाता है पढ़ते पढ़ते। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, कई बार टीचर्स को भी नहीं समझ में आता है, बहुत सारा ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद बिग बिग टीचर्स, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़े बड़े टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रही हूँ। जब मैंने तीन साल पहले टीचिंग स्टार्ट की थी, एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो इन अ सिचुएशन कि यार क्या पढ़ना क्या। अब एक बात सोचो, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपने टीचर से पूछ लिया, अगर टीचर को खुद नहीं आएगा तो वो किससे पूछेगा? अब सोचो कितना टफ है ये। ये मुझे याद है कि किसी बहुत ही बड़े टीचर ने मेरे सामने ये चीज बोली थी, मुझे बहुत बड़े टीचर ने बोला था कि अगर स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है तो वो तो टीचर से पूछ लेगा, लेकिन अगर टीचर को नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा? वो रातों की नींद गंवा देता है उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कह सकता भैया मुझे 100% आता है, बट हाँ हम ये गारंटी आपको दे सकते हैं कि आपका जो डाउट है, अगर आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो चाहे रात भर जागना पड़ जाए, वो कल उठ करके आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज जो है, वो चीज जो है वो हमेशा ही एक लेवल के बाद आती है। और ये जो टीचिंग जो अब हम लोग कर रहे हैं, लिटरली यार इट्स अ वेरी टफ जॉब। ये कोई प्राइमरी में टीचिंग करने जैसा नहीं है कि प्राइमरी में गए छोटे बच्चे हैं, ABCD पढ़ाए, सो भी लिया उधर पे और चले आ गए, है ना। जो इस लेवल की टीचिंग हो रही है बहुत ही ज्यादा टफ जॉब है। तो एटलीस्ट आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस एंड दैट कि फ्री में पढ़ रहे हैं या पैसे देके पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। जहाँ पे 1-1 लाख फीस हो रही है तो ये फीस तो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। ठीक है, तो फीस पे क्वेश्चन करने से बेहतर यही है कि आप पहले ये सोचो कि किस सिचुएशन में सामने वाला आपके लिए कोर्स, क्योंकि एक कोर्स को लेके आने के लिए यार बहुत लोगों की मेहनत है। यहाँ पे देखिए, अगर अनअकैडमी भी आप लोगों तो बहुत सारे स्टेप में, यहाँ मैनेजेरियल वर्क भी है ना, इतने ज्यादा लोग डेडिकेटेड होते हैं। मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के जो मैनेजर्स हैं वो दिन रात फोन करके हम लोगों को गाइड करते रहते हैं कि मैम ये कोर्स लेके आना है, वो लेके आना है, इसको ऐसे करना है, सर हर कोई मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए यूट्यूब में ये चलाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाने कि किस तरीके से अनअकैडमी प्लस में हम कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। और वहां पर आपको सारे फुल कोर्सेज मिलेंगे, कोई हाफ या आधा अधूरा कोर्स नहीं मिलेगा प्लस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आप ये समझिए, हम लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं 100% आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने के लिए। और लिटरली यार ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की मेहनत होती है, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं। कई बार तो रातों रात मतलब सपनों में ही निकल जाती है। मैं आपको बता दूं, जो टीचिंग होती है ना, जब हम लोग, मैं तैयारी जब करती थी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन, तो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब रात के नींद में भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और जब आपकी एक बार जॉब लग जाती है, मान लो मेरा SSC JEE में हुआ था तो मैं जाके ज्वाइन कर लेती, तो ये जो है ना नींद तो कम से कम आराम की रात की बढ़िया आती है ना। अभी वो जो तैयारी के वक्त समय होता है कि रात भर नींद में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो टीचिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, आज भी ये कभी कभार हो जाता है कि रात में हम किसी का डाउट था तो वो हम रात में नींद में भी हमको वो डाउट आ रहा है कि भैया वो डाउट क्लियर करना है उस स्टूडेंट का, 40 किताबें खोलना, ये खोलना, वो खोलना। तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, आपको दूर से देख के लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज को 4 बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। जितनी बार आप हम लोगों से एक ही टॉपिक भी पढ़ोगे ना, वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक जैसा लगेगा या वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले की मेहनत को वैल्यू देना चाहिए, तभी आपकी मेहनत को भी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, ईश्वर करे आपकी मेहनत का सफल फल आपको मिले। और यहाँ पर भी जो भी इंसान जिस लेवल पे मेहनत कर रहा है उसकी वैल्यू करनी चाहिए हमेशा। ठीक है,
चलो, और मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है अनअकैडमी प्लस में सारा का सारा कैसा होता है, फुल मिलेगा आपको, जितना भी कोर्स अनाउंस होता है वहाँ पे एक महीने पहले या 15 दिन पहले डिजाइन होता है, उसके बाद वो अनाउंस होता है, तो फुल कोर्सेज होते हैं, कोई भी आधा अधूरा कोर्सेज आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो कि यूट्यूब में ऐसा होता है। यूट्यूब में हम डिमांड के हिसाब से काम करते हैं, प्लस पे हम फुल कोर्सेज देते हैं। चलो देखो, व्हाइट कास्ट आयरन जो है उसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो 1.75। देखो फिर वही बात है, मैं यहाँ पे आप बोलोगे 1.75 तो स्टील हो गया ये। देखो ऐसा है कि 0.5 तक के परसेंटेज का वेरिएशन यहाँ पे चलता है, ठीक है। 1.75 से लेके 2 से 3% तक यहाँ पर हमारा कार्बन का कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये व्हाइट कास्ट आयरन व्हाइट क्यों कहलाता है? देखो ये व्हाइट कास्ट आयरन व्हाइट इसलिए कहलाता है क्योंकि जब हम इसको कास्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फ्री फॉर्म में ग्रेफाइट के फ्लेक फॉर्म में कार्बन नहीं मिलता है, सारा का सारा कार्बन जो है सीमेंटाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी को हम कहते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। फॉर एग्जांपल अभी अभी किसी स्टूडेंट ने जो बोला था, मैम मेरा डाउट क्लियर करो, यही आपका डाउट है डियर। मैंने आपसे बोला 6.67% एक लिमिट है कार्बन को आपको सॉलिड सोल्यूशन बनाने की, उससे ज्यादा किया तो वो ऊपर ऊपर फ्लेक के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, कंबाइन होगा ही नहीं। 6.67% के नीचे आप 100% कंबाइंड फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप कभी उसको 100% कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हो, कभी आप उसको कंबाइंड फॉर्म ना ले आके फ्री फॉर्म में लेके आते हो। जब आप 6.67% से कम या नीचे आप उसको फ्री फॉर्म में लेके आते हो, उसको कहते हैं आप ग्रे कास्ट आयरन। और अगर वो सारा का सारा कंबाइंड या सीमेंटाइड या Fe3C के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो व्हाइट इन कलर होता है, क्योंकि कार्बन अब फ्री नहीं है ना, कार्बन अब फ्री नहीं है, कार्बन कैसा काले रंग का होता है और आयरन के साथ मिलके वो ग्रे कलर का दिखने लग जाता है, लेकिन एक बार जब वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं व्हाइट कास्ट आयरन, बिकॉज इट अपीयर्स लाइक व्हाइट, ये व्हाइट कलर का अपीयर करता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, द व्हाइट कलर is due to fact that it has no graphite and whole carbon or complete carbon exist in combined form, which is कार्बाइड और सीमेंटाइड, नोन एज सीमेंटाइड। और ये क्या फॉर्म होता है? Fe3C, ये है सीमेंटाइड, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो भैया, अगर कार्बन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गया तो उसकी ब्रिटलनेस जो है वो कम हो जाएगी, अब डक्टिलिटी जो है वो उसमें राइज हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होगा, इसका मतलब ब्रिटलनेस जो है वो हो गया कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द व्हाइट कास्ट आयरन has a high tensile strength and a low compressive strength। अच्छा, आशीष कुमार का कॉमेंट आया है, ग्रे कास्ट आयरन में श्रिंकेज अलावेंस पॉजिटिव होता है, IIT नेगेटिव क्यों मानती है? देखो देयर श्रिंकेज अलावेंस, देखो अलावेंस ये जो है हमारा जो श्रिंकेज अलावेंस है वो तीन तरीके के हो सकते हैं ना, लिक्विड वाला श्रिंकेज जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। ध्यान से समझना सभी लोग, इन्होंने जो कमेंट किया है वो कमेंट को अच्छा कमेंट है ये, मतलब अच्छा डाउट है ये, जब मैं कास्टिंग पढ़ाती हूँ तो ये डाउट जरूर बताती हूँ, पर अभी आपने पूछा है कास्ट आयरन ही चल रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ ये डाउट। देखो, जो कास्टिंग में श्रिंकेज होता है वो तीन तरीके का होता है, पहले होता है लिक्विड श्रिंकेज, फिर होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, उसके बाद होता है हमारा सॉलिड श्रिंकेज। मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा है लिक्विड, ठीक है, ये होता है सॉलिडिफिकेशन,
ये होता है सॉलिड। ठीक है, देखो बात ये है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल, जी हाँ यूसुफ मोहम्मद सही बोल रहे हैं, लेकिन पहले आशीष कुमार का डाउट क्लियर करने दीजिए। बात यह है कि मोस्ट ऑफ ये जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन है वो कहाँ से कंपनसेट होता है, वो राइजर कंपनसेट करता है हमारा। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी गाइस, जितने लोगों ने कास्टिंग पढ़ा है शायद उन्हीं लोगों को ये डाउट ये चीज समझ में आएगी जो मैं अभी बता रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा इसलिए मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है वो हमारा राइजर जो है वो कंपनसेट करता है, जो सॉलिड श्रिंकेज है वो हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस देते हैं हमारे पैटर्न के ऊपर, उससे कंपनसेट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ध्यान से सुन लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है श्रिंक करता है जब वो ठंडा होता है। ठीक है, अगर आप हीट बढ़ाओगे मतलब हीटिंग करोगे तो मतलब एक्सपैंड करेगा, अगर आप कूलिंग करोगे तो श्रिंक करेगा। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल श्रिंक्स ड्यूरिंग कूलिंग इन लिक्विड सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड, तीनों में ही श्रिंक करते हैं। लेकिन जो ग्रे कास्ट आयरन है हमारा, ग्रे कास्ट आयरन में आयरन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन है हमारा वो ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो ग्रेफाइट की फ्लेक्स है ना जब वो ठंडी होती हैं, जब वो ठंडिंग होती हैं तो वो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन में तो श्रिंक करती है लेकिन सॉलिड श्रिंकेज में वो एक्सपैंड करने लगती हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ग्रेफाइट फ्लेक्स की। आशीष कुमार आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई एम टेलिंग यू दैट ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की फ्लेक्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रेफाइट फ्लेक हैं, ये जो लिक्विड, एक मिनट रुकिएगा मैं जरा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आए, ये जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन है, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन है जब यहाँ पर आप ठंडा करते हैं तो यहाँ पे तो श्रिंक करती है ये ग्रेफाइट फ्लेक, लेकिन जब सॉलिड वाला जो होता है यहाँ पे एक्सपैंड करने लग जाती है ये ग्रेफाइट फ्लेक, जिसकी वजह से हम लोग ग्रे कास्ट आयरन में सॉलिड श्रिंकेज जो है उसमें हम लोग नेगेटिव श्रिंकेज लेने लग जाते हैं, और जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन है वहां पर अभी भी श्रिंकेज हो रहा है, देयरफॉर राइजर का रिक्वायरमेंट आपका आ जाता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये ग्रेफाइट फ्लेक की वजह से हो रहा है, ये ग्रेफाइट फ्लेक की वजह से हो रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी वाले नेगेटिव क्यों मानते हैं, देखो यार यही एक पॉइंट है जहां पर मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि इसीलिए एनपीटीएल आपको फॉलो करना है। एनपीटीएल का आप लेक्चर उठा लो, वहां पे सब लोगों ने इन्होंने नेगेटिव ही लेके रखा है, क्योंकि उन्होंने रीजन भी दे रखा है ना, उन्होंने रीजन भी, अब बाकी आप कोई भी किताब उठा लो आई डोंट थिंक कि वो ये चीज वहां पे मेंशनड है। और मैं आपको बता दूं 2016-17 के बीच में क्वेश्चंस भी आए हैं और लोगों के नंबर कटे भी हैं, मेरे भी नंबर कटे हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर बैठ करके आज समझा रही हूं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि ये सब जो हो रहा है कहानी, ये सब ग्रे कास्ट आयरन की वजह से ही हो रही है। ठीक है गाइस, देखिए ये व्हाइट कास्ट आयरन था, कल हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मॉटेल, फिर मैल्युएबल, ये सारे कास्ट आयरन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एलॉइंग एलिमेंट पे मूव ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड स्टील्स, जो भी हम लोग हाई स्पीड स्टील्स यूज करते हैं, जो भी हम लोग कटिंग स्टील्स या कटिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं उसका भी लेक्चर बहुत ही जल्दी ही, मतलब कल वो तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा, बट हाँ एलॉइंग एलिमेंट हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे, और व्हाइट कास्ट आयरन के बाद दो तीन और बचे हैं, चिल्ड, मैलिएबल एंड रॉड, ये सारे बचे हुए हैं वो सारे हम करेंगे। एंड रोहित कुमार थैंक यू सो मच, अगर आपको एक्सप्लेनेशन ग्रे कास्ट आयरन का समझ में आया है, एंड कल मिलते हैं सेम टाइमिंग में। एंड वन मोर थिंग यार, देखो प्रॉब्लम एक चीज मुझे यहाँ पर ये हो रही है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और ये अनअकैडमी को भी मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्केड्यूल है हमें एक हफ्ते या 10 दिन पहले देना होता है, बट क्योंकि मेरी क्लासेस ऐसे चलती हैं जो आप लोग बोलते हैं उसके हिसाब से मैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही क्लासेस डिसाइड करती हूँ, जिसकी वजह से जो मैनेजर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं जो है जैसे आज ही क्लास नहीं तो मैंने कल बोला या क्लास अनाउंस कर दो, तो उन लोगों को भी एट रैंडम रिएक्ट करना पड़ता है, तुरंत क्लास शेड्यूल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है अब।
तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ये टेंडेंसी अब रिमूव करनी चाहिए। फिलहाल 2 दिन का डिसाइड हो गया है, कल जो है इसके आगे डिस्कस करेंगे, फिर एलोइंग एलिमेंट डिस्कस करेंगे, फिर कटिंग स्टील डिस्कस करेंगे। ये 2 दिन में खत्म होगा। उसके बाद गाइज आई एम थिंकिंग टू टेक दी रिविजन क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 घंटे में मेट्रोलॉजी का रिविजन करा दिया। अभी आप लोग का पेपर भी आने वाला है, SSC का भी पेपर आने वाला है। खैर SSC में मेट्रोलॉजी उतनी नहीं आती है, बट बाकी जो वाइजैक का पेपर आने वाला है, जी हाँ, प्रोडक्शन ऑफ स्टील फर्नेसेस, ठीक है रोहित कुमार। देखो वही बात है कि हम डिस्कस करेंगे कि हम आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। जो वीडियो आप लोगों को कहीं और पढ़ने को नहीं मिलता है वो मैं पढ़ा दूँ तब तो फायदा है ना। वही चीज़ें मैं पढ़ाऊँ जो हर जगह पढ़ने को मिल रही है तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जिस चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम है या कोई डाउट होता है, लाइक फर्नेस वगैरह में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, वो लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मैं 2 दिन पहले ही डिसाइड करती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या वैल्यूएबल है, तो फिर इसकी वजह से वहाँ मैनेजर्स को दिक्कत हो जाती है। तो अब मुझे ना कम से कम 1 हफ्ते का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, वो गड़बड़ है यहाँ पर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि मैं टॉपिक वाइज टेलीग्राम में पोल लगा दूंगी कि किस टॉपिक पे आपको पहले चाहिए, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज डाल दूंगी जितने टॉपिक आप लोग डाल रहे हैं। पावर प्लांट करा दो अब की बार, मोदी सरकार कह रहे हैं। हाँ यार, पावर प्लांट से बहुत क्वेश्चन आता है, मुझे भी याद है SSC JEE में पावर प्लांट से बहुत क्वेश्चन आता है। एंड मैं पावर प्लांट बिल्कुल करवा सकती हूँ आप लोगों को, बिकॉज हीट ट्रांसफर एंड ये वाला पार्ट तो मेरा मास्टर्स में भी रहा है। ऑफलाइन वीडियो कहाँ देख लेते हैं अप्पू कौशिक आप? ठीक है, ऐसा करते हैं गाइस कि मेरे पास पेन वेन अभी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एक तो पावर प्लांट है, पावर प्लांट हो गया, दूसरा मेट्रोलॉजी हो गया, तीसरा अभी अभी किसी और ने भी बोला था, मैं इसके पोस्ट लगा दूंगी। तो जो परसेंटेज ऑफ पोस्ट में जिस भी पॉइंट पे ज्यादा होगा उसको पहले लेंगे, बाकी वाले को बाद में लेंगे। बॉयलर्स एंड एसिलरी माउंटिंग, बिल्कुल परफेक्ट अभिषेक कुमार, ये करवा देती हूँ आप लोगों को मैं। बॉयलर्स एंड माउंटिंग बिल्कुल सही है। अच्छा यूट्यूब पे, ठीक है, तो ये मिल गया है पावर प्लांट मेट्रोलॉजी, और आई एम थिंकिंग टू गिव यू रिवीजन क्लासेस ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स, सब सारे का रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल कोर्स नहीं होगा, रिवीजन फटाफट कि आपके एग्जाम के पहले आप लोग का रिवीजन हो जाए। अभी आप लोग घर पे होंगे गाइज, एंड वन मोर अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में। और जितना सेफ आप लोग रहेंगे उतना अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ आती है आप लोगों की। घर पे बैठ करके जितनी पढ़ाई हो सकती है एंड जितना मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ मैं हेल्प कर दूंगी आप लोगों की। अदरवाइज मैं भी कोई ऐसा ही, फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे स्टार्ट, तो मैंने उसी से किया था, क्या नाम है, एक ट्रेडिशनल तरीका, एक टॉपिक ले लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, वही मैंने स्टार्ट किया था। बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया कि मैम उसका ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने ये ट्रेंड ले लिया है पढ़ाने का कि जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है वो पॉइंट मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ, ठीक है।